सुपदान्तिकम् वन्देहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथांवितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादा सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचने गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुवैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीतनामने नमस्ते सारस्वतदेवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारणे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का स्वागत है। पिछले सत्र में हम लोगों ने क्या चर्चा किया था, कोई बताएगा आप में से? याद है प्रभु जी, आप माया के बारे में बता रहे थे। जी, माया क्या है और उसकी दो शक्तियां होती हैं, एक आपने बताई थी आवरणात्मक शक्ति और दूसरा तो मतलब नहीं बताया था आपने, एक ये बताया था कि योग माया होती है और एक ये बताया था माया से बचने के उपाय, उसमें सिक्स हैं, आपने टू बताए। जी जी, हम लोगों ने चर्चा किया था कि माया, योग माया और महामाया। तो ये योग माया और महामाया का क्या सेवा है कि ये हमको, योग माया तो भगवान की सेवा में हमको इन्वॉल्व करती हैं और जो योग महामाया है वो क्या करती है, हमें भगवत भक्ति से दूर कर देती है। हम निश्चित रूप से भ्रम में रहते हैं और जो है उसको न मान करके जो नहीं है उसको मानते हैं। तो माया के कारण ही, यानी भ्रम के कारण ही, अज्ञानता के कारण ही जो हम हैं वो हम अपने को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं और जो नहीं है उसको स्वीकार कर रहे हैं और उसके आधार पर जीवन जी रहे हैं। तो हम सबको सावधान रहना चाहिए और माया के प्रभाव से, यानी भ्रम से निकलने का प्रयास करना चाहिए। और ये कैसे संभव है? ये केवल भगवान की शरणागति लेकर के संभव है, भगवान के नाम की शरण, भगवान के भक्तों की शरण। तो अगर हम भगवान के नाम और भगवान के भक्तों की शरण ले रखी है तो निश्चित रूप से माया के प्रभाव से हम भगवान और भक्तों की कृपा से बच सकते हैं। हम अपनी सामर्थ्य से माया को नहीं जीत सकते, हम माया पर अपनी बुद्धि, अपने बल, अपनी तपस्या से हम माया को नहीं हरा सकते। इसके लिए हमको कृपा की आवश्यकता है हमारे ऊपर, और जब तक भगवान और भगवान के भक्तों की हमारे ऊपर कृपा नहीं होगी तो तब तक हम इस माया के प्रभाव से नहीं निकल पाएंगे। हम लोगों ने इससे पहले के सत्रों में चर्चा किया था कि किस प्रकार से आज हमने मनुष्य शरीर रूपी घर लिया हुआ है, अभी इससे निकल करके 84 लाख प्रकार के घर हैं, उनमें हमें जाना पड़ेगा, या पशु शरीर में, पशु शरीर रूपी घर में, पक्षी शरीर रूपी घर में, कीट शरीर रूपी घर में, वृक्ष वनस्पति शरीर रूपी घर में, या जल में रहने वाले जीव जंतु के रूप में। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो घर, शरीर रूपी घर हमको मिला है, ये हमारा नहीं है, ये भगवान द्वारा प्रदत्त है और इसमें हम कुछ समय के लिए किराएदार हैं। तो बुद्धिमान व्यक्ति
ये सोचता है कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है। वो इस घर में हमेशा के लिए नहीं रहेगा, उसे यहां से निकलना है और उसके बाद फिर दूसरे घर में प्रवेश करना है। तो दूसरा घर कौन सा होगा उसकी वो तैयारी करता है। जैसे इस संसार में रहते हुए जो लोग माया के वशीभूत होकर के, भ्रम के वशीभूत होकर के ऐसा सोचते हैं कि वो शरीर नहीं, वो आत्मा नहीं, शरीर मानते हैं जो अपने आप को, वो अपने शरीर के लिए घरों की व्यवस्था करते हैं। उनको लगता है कि ये घर है ये छोटा है, अभी चार भाई हैं, ये रहेंगे तो कैसे हमारी फैमिली या हम आराम से रह पाएंगे, तो हमको भी एक घर बनाना चाहिए। और वो मेहनत करता है, प्रयास करता है और उसके बाद में अपना एक घर बनाता है और उस घर में जाकर के वो आराम से रहता है, सुखों का या दुखों का भोग करता है। मान लो कोई मेहनत किया है, अच्छा परिश्रम किया है, सही दिशा में सही तरीके से जीवन जिया है, तो निश्चित रूप से वो एक अच्छा घर अपने जीवन में बना लेता है। और अगर वो ऐसा नहीं करता है तो निश्चित रूप से उसे अपने बाप दादा द्वारा मिले हुए घर में ही रहना पड़ेगा, या अगर वो भी जीर्ण शीर्ण हो गया तो उसे झोपड़ी में जाना पड़ेगा। तो सेम इसी प्रकार से जैसे शरीर को जो घर मिलता है वो हमारी मेहनत और हमारे पूर्व जन्म के जो कर्म है, इस जन्म के कर्म है, उनके आधार पर मिलता है, उसी प्रकार से हम जो कर्म कर रहे हैं इससे शरीर रूपी घर जो कि आत्मा का घर है, ये जो मकान ईंट पत्थरों का जो घर है ये तो शरीर का घर है, लेकिन आत्मा का घर ये मनुष्य शरीर है। तो इस मनुष्य शरीर या 84 लाख योनियों में जो शरीर हैं ये आत्मा को घर दिए जाते हैं रहने के लिए, कि आप अच्छा कार्य करोगे तो आपको प्रमोशन होगा, अगर आप अच्छा कार्य नहीं करोगे तो आपका डिमोशन होगा। क्योंकि मनुष्य शरीर रूपी घर में हम हमेशा से न तो थे और न हमेशा रहेंगे। कुछ समय पहले इस मनुष्य शरीर रूपी घर में आए हैं और कुछ समय बाद ये मनुष्य शरीर रूपी घर हम छोड़ देंगे। और इस घर का मालिक कौन है ये भूल जाते हैं और शरीर को ही मैं मानते घूमते रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे हमारे ऊपर भगवान की और भक्तों की कृपा होती है तो हम समझ पाते हैं कि वास्तव में ये शरीर रूपी घर मुझे कुछ समय के लिए मिला है, ये शरीर मेरा नहीं है, ये शरीर हमको भगवान की। जैसे किराएदार कभी भी आपको, किराएदार को कभी भी मकान खाली करना पड़ सकता है जैसे ही उसका मकान मालिक उससे बोलेगा। लेकिन अगर आपका मकान है तो निश्चित रूप से आप स्वतंत्र हैं, जब तक चाहें उसमें रह सकते हैं। इसी प्रकार से ये जो शरीर रूपी घर है ये भगवान द्वारा दिया गया है और हम लोग किराएदार हैं। जैसे ही भगवान चाहेंगे, भगवान का आदेश आएगा, भगवान की व्यवस्था का आदेश आएगा और उसी समय हमें क्या करना पड़ेगा, ये घर खाली करना पड़ेगा, है ना। हम सब देखते हैं कितने सारे लोगों ने हमारे देखते देखते शरीर छोड़ दिया, है ना। अगर आप का जब शादी हुआ था, शादी का अगर एल्बम देखो तो उसमें आपको बहुत सारे लोग दिखेंगे। कि आज अगर एल्बम देखो, अरे ये मामा जी थे, ये हुआ करते थे, ये आए थे, अब नहीं है, अरे ये बाबा जी थे, बाबा थे, बाबा हमको इतना प्यार करते थे, ऐसा करते थे, लेकिन अभी नहीं है, है ना। तो अगर आप देखो तो आपकी एल्बम से बहुत सारे लोग निकल चुके हैं, जा चुके हैं अपने किराए के घर को छोड़ करके, और अपने कर्म बस, अपने प्रारब्ध बस जो उन्होंने अपना कर्म द्वारा प्रारब्ध बनाया है, भाग बनाया है, उसके अनुरूप वो अगले शरीर में चले गए हैं। फिर वो शरीर अगर अच्छे कर्म किए हैं तो अच्छा होगा और अगर अच्छे कर्म नहीं किए हैं तो निश्चित रूप से निम्न होगा। तो ये सब कैसे होता है, ये भ्रम के कारण होता है। आप सब स्वीकार करते हैं, आपको विश्वास है, ऐसा महसूस करते हैं कि हाँ हम भ्रम में हैं। कितने लोगों को ईमानदारी से लगता है कि हाँ हम भ्रम में हैं, कृपया बताएं। फिर हम लोग आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं। क्या लगता है कि भ्रम का मतलब है हम गलत हैं? सीधी सी बात, सरल भाषा में कहें हम गलत हैं, या और सरल कहें तो हम मूर्ख हैं। मूर्ख नहीं समझ पाता कि वास्तविकता में क्या सही है और क्या गलत है, वास्तव में हम कौन है, हमारी पहचान क्या है, हमारा अपना कौन है। तो जो विवेकवान, कम विवेकवान व्यक्ति है वो इन बातों को नहीं समझ पाता। तो हम लोग बात कर रहे थे माया पे, चूंकि हम लोगों ने पिछले सेशन पे माया पे चर्चा किया था। तो ये माया जो है ये वास्तविकता में भ्रम है, अज्ञानता है। तो हम क्या महसूस करते हैं, क्या हम भ्रम में हैं? प्रीति माता जी,
हम प्रभु जी तो मानते हैं कि हम भ्रम में हैं। कैसे आप मानते हैं कि आप भ्रम में हैं? अपने शब्दों से बताएं। और मेरा आप सब भक्तों से अनुरोध है, कृपया कोई भी दूसरे व्यक्ति के शब्दों को रिपीट नहीं करेगा, आप अपने विचारों को रखेंगे। प्रभु जी हम हर चीज को अपना मानते हैं, मतलब जैसे ये बॉडी को अपना मानते हैं, लेकिन जैसे आपने बताया कि ये बॉडी हम मतलब किराए का घर है और मतलब हम इसमें थोड़े समय के लिए आए हैं, फिर चेंज हो जाएगी। अगर हमने मतलब इसका प्रॉपरली यूज नहीं किया तो हम वापस इस धरती पे आना ही पड़ेगा हमें। और बाकी मतलब यूजफुल और चीजों को भी, जैसे हम मेरी कार है, मेरा घर है, मेरे बच्चे हैं, ये सब तो हम यूज करते ही हैं। मेरा सामान हर चीज में अपना मेरा जोड़ देते हैं जी। तो ये मेरा है या नहीं है? हाँ वही भ्रमवश हमें लगता है मेरा ही है जी, लेकिन वास्तविकता में नहीं है हमारा। ठीक है, धन्यवाद जी। मोहिता माता जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो, हरे कृष्णा जी, आ गई। प्रभु जी ऐसा लगता तो नहीं है कि हम ब्रह्म में, लगता है जो भी है वही वही सच है, जो आसपास हमारे हैं वो हम ही उसके मालिक है, हम ही हमारे कंट्रोल में, वो ऐसा फील नहीं होता है। पर जब तक ज्ञान नहीं होता तो हमको ऐसी फील होता है कि हम इसको ओन करते हैं, हम इसके मालिक हैं जी। हम लोग वास्तविकता में अपने को मालिक मानते हैं, शरीर को मैं मानते हैं, शरीर से जुड़े संबंधियों को मेरा मानते हैं, लेकिन ये वास्तविकता में क्या है? भ्रम है ना। हम लोगों ने नारद जी का स्टोरी सुना था ना, नारद जी थोड़ी देर के लिए भगवान से अलग हुए और बोले कि भगवान मुझे अपनी माया का दर्शन कराओ। तो भगवान ने कहा कि नारद जी रहने दो, परेशान हो इसको छोड़ो, लेकिन बोलते नहीं नहीं मुझे दिखाओ। तो बोले ठीक है, मुझे प्यास लगी जरा जाओ। तो जैसे ही भगवान से दूर होते हैं और माँ भगवान की दया से नारद मुनि को आत्म साक्षात्कार करवाने के लिए या माया से भेंट करवाने के लिए भगवान अपनी माया को भेजते हैं और देखते हैं हम फिर क्या घटना घटी। तो कहने का मतलब है इसी प्रकार से हम सब इस संसार में विभिन्न विभिन्न प्रकार से अपने संबंध, संसार, शरीर, इसमें हम सब लगे हुए हैं और नहीं सोच रहे हैं कि वास्तविकता में वास्तव में हम हैं कौन, कितने दिन के लिए हैं। अभी कल अगर मेरा शरीर छूटता है, कितने लोगों का छोड़ा है कि नहीं छोड़ा? हमसे छोटे लोगों का शरीर छूटा है, हमारे साथ के लोगों का छूटा है। ऐसा थोड़ी कि नहीं 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 हम 90 साल के होंगे, जो बूढ़े हो जाएंगे तभी मरेंगे। अभी तो बहुत प्लानिंग करनी है, अभी तो 90 साल तो जिंदा रहना ही रहना है। क्या ये अपने आप में भ्रम नहीं है? सत्य क्या है? सत्य ये है कि हम कभी भी शरीर छोड़ सकते हैं, या सत्य ये है कि अभी तो 40-50 साल है हमारे पास? आशीष प्रभु, क्या सत्य है? प्रभु कभी भी छूट सकता है। बिल्कुल पक्का विश्वास है जी? जी सच्चाई यही है। हाँ इसलिए तो दिख रहा दिखता है ना, इसमें तो दिक्कत नहीं है। ये तो दिख रहा है कि यहाँ कोई भी कभी भी चला जा रहा है जान विचार में। तो देखो दिख रहा है, फिर भी कैसा भ्रम है। देखो हमें दिख रहा है लेकिन हमारी प्लानिंग 90 साल को लेके है। आप जीवन में जो अपनी प्लानिंग कर रहे हो वो 90 साल को टारगेट करके कर रहे हो कि कभी भी शरीर छूट जाएगा ये सोच के कर रहे हो? बताओ। बेस्ट केस सिनेरियो मान के कर लेकिन वास्तविकता क्या है? तो ये भ्रम है कि नहीं है जी? हमको कल का भरोसा नहीं है, है ना, और प्लानिंग कर रहे हैं बड़ी जबरदस्त, है ना। एक बार युधिष्ठिर महाराज जी के पास एक भिखारी आया भिक्षा मांगने के लिए। तो युधिष्ठिर महाराज जी ने कहा
कि अच्छा ऐसा है भाई, कल आना आप, कल आपको हम भिक्षा देंगे। तो जैसे ही उन्होंने कहा कि कल आना, तो भीम बड़ी जोर से हंसे। तो युधिष्ठिर बोले, अरे इसमें हंसने वाली क्या बात है, उसको हमने कल बुलाया है। तो भीम बोले, भैया क्या गारंटी है आप कल उसको मिलोगे, कि हम आज शरीर नहीं छोड़ेंगे, ये गारंटी है? लेकिन हम लोगों का वो नजरिया ही नहीं है जो वास्तविकता। पांडव तो केवल हम लोगों को शिक्षा देने के लिए ये लीला कर रहे हैं, वो तो हमेशा सत्य को जानते थे, सत्य को समझते थे, लेकिन ये लोग केवल हम जैसे बद्ध जीवों को शिक्षा देने के लिए कुछ रोल अदा करते हैं। तो वास्तविकता ये है कि हमको अभी कल का भरोसा नहीं है, है ना, लेकिन हमारी प्लानिंग चलती रहती है, नहीं अभी तो हमें रहना है, अभी तो ये करना है, अभी वो करना है, अभी बहुत कुछ करना है। तो ये भ्रम है, माया के कारण है। और कुछ बताए, और कोई बताएगा माया से संबंधित, कैसे हम समझें कि हम माया में हैं, भ्रम में हैं, स्नेहा माता जी या प्रभु जी? जानते हुए भी नहीं कर पाते हैं कुछ, तो ये माया ही है जी। जान रहे हैं, समझ रहे हैं, देख रहे हैं कि कितने लोग संसार छोड़ के चले गए, है ना, और हम जान रहे हैं कि वास्तव में हमें भी जाना है, लेकिन फिर भी हम उसी संसार में, उसी परिवार में, उसी डेली की दिनचर्या में हम सब उलझे हुए हैं, है ना। तो माया के कारण ऐसा हो जाता है हम सबके साथ। पुष्पा माता जी कहाँ है आजकल? प्रभु जी, पुष्पा माता जी फ्लोरिडा गई हुई है, तो मेरी उनसे बात हुई थी, वो कह रही थी कि वो 3 अगस्त को वापस आ जाएंगी। अच्छा ठीक है, तो वो सेशंस को प्रॉपर अटेंड कर रही है रेगुलर? हाँ, मैं पोस्ट तो मैंने सारे बोला, सब ठीक सब है इसमें। नहीं नहीं, पोस्ट नहीं करना है, वो फॉलोअप करना पड़ेगा, पर ना माया ऐसी प्रबल है कि तुरंत व्यक्ति को लगता है हाँ ठीक है, अभी हम लोग माया पे ही चर्चा कर रहे हैं। माया हमें तुरंत अपने आगोश में ले लेती है, है ना, बस हर समय। वास्तविकता में हम हर समय माया में ही हैं, बस केवल कुछ समय के लिए, जितनी देर हम भक्तों के समक्ष होते हैं, भगवान के समक्ष होते हैं, सत्संग में होते हैं, केवल उतनी देर उस प्रभाव से बच पाते हैं, उस समय हम रियलिटी में होते हैं, हम सोचते हैं हाँ सही बात है, सत्य तो यही है, कभी भी संसार छोड़ के जाना पड़ेगा, वास्तविकता तो यही है, सत्य भगवान का चिंतन ही है। इस वास्तविकता में हमें अपनी चित्त शुद्धि करनी है, हमको अपना आत्म उद्धार करना है, हमको कल्याण करना है, हमको अपने आप को उठाना है ना। लेकिन फिर माया के प्रभाव के कारण, भ्रम के कारण, अज्ञानता के कारण, अहंकार के कारण, हम पुनः फिर उसी चेतना में चले जाते हैं जिसमें हम अनंत जन्मों से हैं। तो इसलिए हमें सावधान होना चाहिए और मनुष्य जीवन बहुत सावधानी से बिताना चाहिए। तो कैसे इस माया के प्रभाव से निकल करके हम प्रेम तक पहुंच सकते हैं, है ना। मैं और चाहूंगा कुछ भक्त और बचे हैं, वो अपना रियलाइजेशन शेयर कर सकते हैं, क्या वो सोचते हैं कि वास्तविकता में वो भ्रम में है, वो माया में है, या वो गलती में है? कोई बताना चाहेगा? अनुकोली माता जी, रश्मि, सुप्रिया, हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा माता जी, ये हमारे यहाँ पे, हम में तो लाइक हर रोज ही होते हैं जी। सुबह उठते हैं, पूजा करते हैं थोड़ी सी, और अभी तो हम, चलो जो हम माला जाप भी कर रहे हैं, पर उसके बाद बिल्कुल सब कुछ ध्यान से निकल जाता है, सब अपने अपने, अच्छा खाना देना है, अच्छा अब ये करना है, वहां जाना है, वो ये करना है, ये फिनिश करना है, बाय द टाइम शाम हो जाती है, तो अभी फिर डिनर का खाना, लाइक हर वक्त हमारे लाइफ में तो यही रहता है कि खाना अभी बनाना है, अब खिलाना है, तो माया में ही रहते हैं हम लोग, तो ध्यान भी नहीं होता कि अभी हाँ अगर यू नो हमने कल चले भी जाना है, पता भी नहीं है, याद ही नहीं रहता है इस चीज का। तो देखिए, चला जाना एक अलग विषय है ना, और जीते जी गलत कार्य करना या सही कार्य न करना एक अलग विषय है जी। हमको ये नहीं सोचना है कि अभी हम चले जाएंगे, कभी भी मर जाएंगे, तो हम बार बार सोचें कि हम मर जाएंगे, हम तो शरीर छूट जाएगा, अब क्या है संसार में, कुछ नहीं है, सब बेकार है, कभी भी जाना है तो क्यों धर्म अर्निंग करें, कल मरना ही है तो क्यों बच्चों को देखें, किसी से कोई संबंध नहीं है, तो ऐसा नहीं सोचना, ऐसे तो फिर जीवन नीरस हो जाएगा, है ना।
हमको समझना है वास्तविकता में कि हम जीते जी, ये नहीं कि हाँ हम ये भूल रहे हैं कि हम मर जाएंगे, हम ये भूल रहे हैं जीते जी कि हमें जो करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं, और जो नहीं करना चाहिए उसी को 24 घंटे दे रहे हैं। हम पशु का सेवा कर रहे हैं, हम परिवार का सेवा कर रहे हैं, हम अपने शरीर का सेवा कर रहे हैं, हम अपने घर का अपनी कार की सेवा कर रहे हैं, लेकिन भगवान की सेवा नहीं कर रहे हैं, भगवान से अभिन्न भगवान के धाम की सेवा नहीं कर रहे हैं, भगवान के नाम की सेवा नहीं कर रहे हैं। कितना कहा जाता है कि भाई 16 माला का जाप प्रत्येक भक्त का होना चाहिए, कम से कम 16 माला। तो हमको लगता है अरे नहीं, इतना टाइम नहीं हमारे पास कि हम 2 घंटे जाप करें, लेकिन हम 2 घंटे घर की सफाई करेंगे, 2 घंटे हम सोफे को चमकाएंगे, उसमें हमारा मन लगेगा, है ना। मैं ये नहीं कह रहा कि हम घर को साफ न करें, घर की सफाई निश्चित रूप से रखें, लेकिन मन की सफाई भी तो करें, हम चित्त की सफाई भी तो करें, उस पर ध्यान नहीं है। घर को साफ क्यों करते हैं? क्योंकि अरे ये कभी भी मोहिता माता जी आ जाएंगी, या प्रीति माता जी आ जाएंगी, या दीपिका माता जी आ जाएंगी, तो बोले घर तो अच्छा होना चाहिए ना, बढ़िया अच्छा सा इंटीरियर होना चाहिए, कोई आए तो एकदम अच्छा लगे, है ना। लेकिन मन बोले, मन हमारा कौन देख रहा है, उसे कौन जानता है, हम अंदर से कैसे हैं, हम क्या कर रहे हैं, मेरी कैसी भावनाएं हैं, हम कैसा सोच रहे हैं, उसका ध्यान कहां, वो कौन देख रहा है। तो जब कोई देख नहीं रहा तो उसको साफ करने की क्या जरूरत है, है ना। जैसे कई बार स्टोर रूम होता है ना, उसकी सफाई नहीं होती, वो उसको अगर खोलोगे ना तो असलियत सामने आ जाती है, है ना। किसी के घर का स्टोर रूम खोल दो जाकर के, पता चल जाएगा वो कितना सफाई वाला है, क्योंकि वो जानता है स्टोर रूम में हर कोई थोड़ी आएगा, उसको ही जाना है, तो उसको गंदा पड़ा रहे, तो भर दो जो जिधर उधर से उठा के उसमें भर दो। तो वास्तविकता में हम सब लोगों को जीते जी जो समय हमारा निकल रहा है, क्योंकि मनुष्य जीवन में हमारे पास निश्चित सांसें हैं, हमको भगवान ने निश्चित सांसें दी हैं कि इतनी सांसें तुमको इस मनुष्य योनि में लेनी है, इतनी सांसें तुमको पशु योनि में लेनी है, इतनी सांसें तुमको पक्षी योनि में लेनी है, है ना। तो प्रत्येक श्वास पर मेरा जीवन खत्म हो रहा है, लेकिन दुर्भाग्यवश हमें जो करना चाहिए वो नहीं कर रहे। भगवान से प्रेम करना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए, वो हमें प्रायोरिटी लगी नहीं रही, उसके लिए हम गंभीर ही नहीं है। जब पूछा जाता है कितनी माला, वो प्रभु जी 1 माला कर रहे हैं, फिर आगे का प्रोग्राम, हाँ अभी अगले साल तक 2 माला हम फिर से शुरू करेंगे, क्योंकि अभी मेरी बहुत व्यस्तताएं हैं, घर में है, परिवार में है, समाज में है, हम अपने शरीर को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, हम इसको टाइम नहीं दे पा रहे हैं। भैया किसी को टाइम देना पड़ेगा, सबको मैनेज करना पड़ेगा, शरीर को भी समय देना होगा, परिवार को भी समय देना होगा, व्यापार को भी समय देना होगा, जॉब को भी समय देना होगा, और भगवान को समय जरूर 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 देना होगा। और भगवान को क्या समय देंगे, अपने आप को समय दीजिए, अपने आप को दीजिए। हम तो अपने आप को जान ही नहीं रहे हैं, अपने को अज्ञानतावश मायावश शरीर मान रहे हैं, और शरीर को ही पूरा समय दे रहे हैं। हम लोगों ने चर्चा किया था ना शुरुआत में कि मूर्ख कौन है और बुद्धिमान कौन है, है ना। क्या हम अपने को मूर्ख मानते हैं? शब्द थोड़ा बुरा लगता है सुनने में, है ना, कुछ कोई पसंद थोड़ी करता है, कहता अच्छा हम मूर्ख क्यों हैं, हम तो बड़े समझदार हैं। और कोई कह दे हमको मूर्ख, तो फिर हम उससे संबंधी तोड़ लेंगे, अच्छा तुम कितने होशियार हो, है ना। लेकिन वास्तविकता ये है कि नहीं है, हम लोग मूर्ख हैं या नहीं है, क्या हम ईमानदारी से इसको स्वीकार कर पा रहे हैं कि हम मूर्ख हैं? क्यों मूर्ख हैं कोई बताएगा? क्योंकि हम अगर चर्चा कर रहे हैं उसको अगर हमारी समझ में नहीं आ रहा है तो फिर और आगे चर्चा करने का कोई मतलब नहीं है। बोले हाँ हम मूर्ख हैं, ठीक है हम स्वीकार कर रहे हैं मूर्ख हैं, लेकिन हम मूर्ख ही बने रहेंगे या हम जो कर रहे हैं वैसे ही करेंगे, डिस्टर्ब नहीं करो मुझे मूर्खता में आनंद आ रहा है। और मूर्खता में अगर आनंद मिले तो क्या दिक्कत है, ठीक है प्रभु जी चलने दो, क्या दिक्कत है, क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो हमको, है ना। तो आप बताओ कैसे आप कह सकते हो कि हम मूर्ख हैं? आशीष प्रभु कुछ कहने वाले थे। प्रभु जी क्योंकि हमें पता है कि काम गलत है और हमें रास्ता ही पता है कि क्या करने से हमारा बेनिफिट होगा, लेकिन वो चीज कर नहीं पा रहे, फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, ना कितनी अच्छी नहीं, नहीं करना चाहिए। तो कर नहीं पा रहे शब्द सही नहीं है, कर नहीं रहे हैं ये बोलना चाहिए। हाँ कर नहीं रहे,
कर नहीं पा रहे तो एक अलग स्थिति होगी। हम खुद देखिए जो हम करना चाहते हैं वो हम कर ही लेते हैं, है ना। दीपिका माता जी कितनी ही नजर रखें आपके ऊपर, लेकिन आपको जो करना होता है वो कर ही लेते हैं। आपको घूमना होता है घूम लेते हैं, किसी को फ्रेंड को कोई मदद करनी होती है कर ही देते हैं। माता जी खुद देखेंगे नहीं भाई देखो ये पैसे खर्च नहीं करने, लेकिन आपको मदद करनी है तो पता भी नहीं चलेगा, भनक भी नहीं लगेगा और सेवा आप कर ही देंगे किसी को, है ना। होता है ना, हम कई बार चाह करके भी जो हमें करना होता है वो हम कर लेते हैं। तो वास्तविकता ये है कि मेरा प्रश्न केवल इतना सा है, ये समझना बहुत जरूरी है कि हम मूर्ख हैं, है ना। और ये जितनी जल्दी स्वीकार कर लेंगे उतनी जल्दी फिर हमको कुछ कहा जाएगा तो वो हम मानने की पोजीशन में आ जाएंगे। अदरवाइज मेरे पास हजार एक्सक्यूज हैं, ऐसा थोड़ी है, आपको थोड़ी पता है कैसी लाइफ स्टाइल है, क्या हमारा जीवन है, हमारे घर की ईएमआई है, हमारा घर है, आपको कुछ नहीं पता है। हम जानते हैं, अरे हम बुद्धिमान हैं, आप मूर्ख हो, इसलिए आपको अगर थोड़ी सी भी समझ होती तो मेरी लाइफ में झांक करके देखते समझते और फिर आप समझ पाते और कहते कि नहीं नहीं तुम जो एक माला कर रही हो यही बहुत बड़ी बात है, है ना। तो हम लोग ऐसी भावनाएं रखते हैं क्योंकि हम अपने आप को बुद्धिमान मानते हैं, है ना। देखो बुद्धिमान हम क्यों नहीं है इसको आज समझ लो, हमने पहले भी चर्चा किया है लेकिन भूल जाते हैं, इसलिए ये बड़ा आवश्यक है समझना। एक बुद्धिमान व्यक्ति और मूर्ख व्यक्ति में क्या अंतर है, हम लोगों ने चर्चा किया था, कोई बताएगा। एक मूर्ख व्यक्ति और बुद्धिमान व्यक्ति में क्या अंतर है, एक मूर्ख को मूर्ख कैसे कहा जाए या मूर्ख की परिभाषा क्या है। आप कहोगे देखो हम मूर्ख है नहीं इसलिए हम बता नहीं सकते, बुद्धिमान का पूछो तो हम बताएंगे। प्रभु जी हमें पता है कि क्या करना है और फिर भी हम मुझे करते नहीं है इसलिए हम मूर्ख हो। नहीं नहीं ये तो चलो ठीक है, ये तो गलती है, ये है ही है, लेकिन वास्तविकता में मूर्ख है इसको समझिए। मूर्ख व्यक्ति पागल व्यक्ति महत्वपूर्ण चीज को कम समय देता है और कम महत्वपूर्ण चीज को अधिक समय देता है, ठीक बात है। आप सब सहमत हो इस सेंटेंस से कि जो मूर्ख होता है वो क्या करता है, पागल जो होता है वो महत्वपूर्ण चीज होगी उसको समय नहीं देगा और जो कम महत्वपूर्ण चीज होगी उसमें पूरा बुद्धि लगाएगा, पूरा समय देगा, पूरा चिंतन करेगा। हम लोगों का स्थिति क्या है, शरीर महत्वपूर्ण है या आत्मा या जीवन महत्वपूर्ण है। आप कहेंगे हम मूर्ख थोड़े ही, हम तो महत्वपूर्ण चीज को समय देते हैं, हमें मालूम है जीवन में क्या महत्वपूर्ण है। आप मुझे बताओ आपका शरीर महत्वपूर्ण है या शरीर के अंदर जो जीवन है वो महत्वपूर्ण है, इसका मुझे सिंपल सा उत्तर दे दो। आत्मा को आपने नहीं देखा, हम आत्मा की बात ही नहीं कर रहे, हम सिंपल सा पूछ रहे हैं, जीवन तो जानते हो, आपके शरीर में शरीर इंपॉर्टेंट है या जीवन इंपॉर्टेंट है, इसका उत्तर दो। प्रभु जी दोनों इंपॉर्टेंट है, जीवन भी इंपॉर्टेंट है और शरीर भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर शरीर नहीं होगा तो जीवन भी नहीं हो सकता। जी लेकिन जीवन जब तक है तभी तक शरीर है, जीवन नहीं होगा तो शरीर का कोई मतलब नहीं है। आप शरीर अगर इंपॉर्टेंट होता जैसे आप कह रहे हैं कि शरीर भी इंपॉर्टेंट है तो मैं आपसे सिंपल सी बात कह रहा हूं, फिर जीवन निकल जाता है, फिर शरीर को मसाला लगा के घर में रखना चाहिए ना, करे बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये मेरे पापा जी थे, ये मेरे मित्र थे, ये मेरे दादा थे, इन्होंने मुझे सारी संपत्ति दी है, इतना कुछ मेहनत किया है, ये मेरे आदर्श हैं, मैं अपने बच्चों को उनके बच्चों को उनके बच्चों को दिखाऊंगी कि ये देखो दादा हैं तुम्हारे, उनको बढ़िया सा मसाला लगा करके अच्छा सा एक कांच के उसमें पैक करके रखें हम घर में, क्यों नहीं रखते हैं? तुरंत क्या बोलते हैं, अब ले जाओ अब जला दो। अगर थोड़ा सा भी जरूरत थोड़ी सी भी इंपॉर्टेंस होती तो संभाल के रखना चाहिए ना उसको। तो वास्तविकता में
जीवन के कारण ही शरीर का वैल्यू है, जीवन निकलते ही शरीर का कोई औचित्य नहीं है, कोई मतलब नहीं है। लेकिन दुर्भाग्यवश आप अगर 24 घंटे की अपनी दिनचर्या पर नजर डालो तो 24 घंटे में आप ईमानदारी से बताओ मुझे शरीर पर कितना समय दे रहे हो और जीवन पर कितना दे रहे हो, क्योंकि दोनों अलग चीजें हैं। आप 24 घंटे किस पर दे रहे हैं, शरीर पर या जीवन को? मैं जो बोल रहा हूं उसको समझ पा रहे हैं? कई बार लगे नहीं, हम तो जीवन को ही दे रहे हैं, जीवन ही इसका तो सब है, शरीर का क्या है, कुछ नहीं है। क्या लग रहा है आपको, आपको लग रहा है ऐसा कि हम लोग 24 घंटे किसको दे रहे हैं, केवल शरीर को? तो कहने का मतलब है कि हम जीवन को समझें, जीवन को जानें, जीवन कहां से आया है, इस शरीर में जीवन कहां से आया, ये शरीर में जो परिवर्तन हो रहे हैं इसका कारण केवल जीवन है। जीवन नहीं होगा शरीर वहीं रुक जाएगा, सारी प्रोग्रेस खत्म हो जाएगी। मां के गर्भ में जब बच्चे को जीवन नहीं रहता है तो उसका विकास खत्म हो जाता है, फिर उसकी वृद्धि नहीं होती, जबकि वो मां के शरीर में है, मां के शरीर से पोषण ले रहा है। लेकिन अगर मां के गर्भ में ही बच्चे का मृत्यु हो गया तो फिर उसका विकास नहीं होता। तो वास्तविकता में शरीर में जो भी परिवर्तन हो रहे हैं वो जीवन के कारण है। तो जीवन कहां से आया है, जीवन कहां जाएगा, जीवन को समझने के लिए हमें अपना समय देना चाहिए। लेकिन हम लोग जीवन को समझने के लिए टाइम नहीं देते, 24 घंटे शरीर 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 का खाना, शरीर का सोना, शरीर का घूमना, शरीर का घर, शरीर के बच्चे, शरीर की पत्नी, शरीर का व्यापार, शरीर का सब, सारी प्लानिंग शरीर की, जीवन पे ध्यान ही नहीं दे रहे। तो मेरा आप सबसे यही अनुरोध है कि जीवन को समझिए, और जब जीवन को समझेंगे तब वास्तविक आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत होगी। अध्यात्म का मतलब क्या होता है, अध्यात्म शब्द सुना है आप सबने, कोई बताएगा आप में से अध्यात्म क्या है? प्रभु जी अपने आप को समझना, अपने बेचित की शुद्धि साधना के द्वारा करना, अपने आप को समझना, ठीक है। और कोई अध्यात्म सब तो सबने सुना है, सब आध्यात्मिक उन्नति करना चाहते हैं, आध्यात्मिक विकास करना चाहते हैं, आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रगति करना चाहते हैं। क्या है ये अध्यात्म? नहीं पता है, ये कुछ बताना चाहेंगे? प्रभु जी शायद आत्मा के ऊपर अध्ययन करने या उसको समझने की कोशिश करना अध्यात्म होता है। जी ठीक है, और अध्यात्म अधिधन आत्म, अधि का मतलब होता है उठाना यानी उन्नति करना, और आत्म मीन्स होता है स्वयं, यानी स्वयं को उठाना, है ना? या जैसा कि आपने कहा कि आत्म का अध्ययन करना, स्वयं के विषय में जानना कि वास्तव में मैं कौन हूं, है ना? अपने को उठाना, अपनी चेतना का विकास करना, उसका शुद्धिकरण करना, उसको प्रगति करवाना, यानी स्वयं। देखिए दो प्रगति है, एक शरीर की प्रगति है और एक स्वयं की प्रगति है। एक शरीर को उठाना है, एक आत्म को उठाना है। तो शरीर को तो उठा करके आप लोग यूएस ले गए, है ना? अभी आत्मा को कहां ले जाएंगे उस पर हमारा ध्यान नहीं है। तो हम कहां जाएंगे, हमारा किस स्थिति पर हम पहुंचेंगे, हमारा आत्म उद्धार हो, आत्म कल्याण हो, हम अपने चित्त को शुद्ध करके आगे प्रगति करें, इस पर हम सबको ध्यान देना चाहिए। तो खैर आज हम लोग आज का टॉपिक शुरू करते हैं।
अभी एक तो कार्तिक मास की शुरुआत हो रही है, तो ये अपने आप को उठाने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये सॉरी चतुर्मास की शुरुआत हो रही है जिसमें अभी कार्तिक मास आएगा, तो चतुर्मास ये अपने को उठाने के लिए ये चार महीने बड़े श्रेष्ठ माने जाते हैं, जिससे कि हम अपनी चेतना को शुद्ध कर सकते हैं। तो इसमें क्या करना होगा, थोड़ा सा हमें अधिक प्रयास करना होगा, कुछ छोटे छोटे नियम हैं उनका पालन करना होगा और आध्यात्मिक उन्नति की ओर हमें थोड़ा सा गंभीर होना होगा। अगर हम एक माला कर रहे हैं तो कम से कम हम चार माला का अभ्यास करें, कम से कम उसको और बढ़ाएं। चार कर रहे हैं वो आठ करें, आठ कर रहे हैं वो 16 माला पूरा करें, है ना। जो 16 कर रहे हैं वो थोड़ा सा ध्यान पूर्वक अच्छे से करें या अपनी माला को बढ़ा सकते हैं। स्वाध्याय को बढ़ाएं, गीता को स्वाध्याय करें, प्रभुपाद जी के जो छोटे छोटे ग्रंथ हैं उनको हम समझें, उनको पढ़ें, तो अपनी इन्वॉल्वमेंट थोड़ी सी बढ़ाएं। मैं एक चीज जानना चाहता हूं आप सबसे, आप कितना समय अपने आप को देते हो, शरीर को नहीं अपने आप को, क्योंकि आप अलग हो और आपका शरीर अलग है। शरीर की पत्नी है, शरीर का पति है, शरीर का बच्चा है, शरीर की नौकरी है, शरीर का घर है। आप स्वयं मुझे केवल इतना बताओ, अपने आप को समय, अपने आप को समय में ये नहीं है कि हम इतनी देर कंघी करते हैं, इतनी देर हम अपना तैयारी करते हैं, ये अपने आप नहीं होगी। अपने आप को समय देना, अपने आप मींस मतलब मैं जो वास्तविकता, उसको समय कितना देते हो, आत्म को समय कितना देते हो। प्रीति माता जी कितना समय देती हैं आप पर डे? मतलब मैं कोशिश करती हूँ कि जैसे मतलब मैं खाना भी बनाती हूँ तो मैं मतलब यही सोच के बनाती हूँ कि भगवान जी को भोग लगाना है। बहुत अच्छा। मतलब आप अपने मेरा मेरी कोशिश ये रहती है कि जो मेरे डेली रूटीन का काम है उसमें मैं भगवान को इन्वॉल्व करूँ, तो फिर उससे ज्यादा टाइम ध्यान रहता है जी। और शांत होकर के थोड़े जब साधना एकांत में बैठ करके वो प्रभु के समय करती हूँ जी। ठीक है, तो स्नेहा माता जी और प्रभु जी कैसा चल रहा है आपका, आप कितना समय दे रहे हैं अपने आप को? अपने आप को समय देने का मतलब है शांत होकर के थोड़ा विचार करना कि वास्तविकता में हम कर क्या रहे हैं। कई बार हम साधना भी यंत्रवत करते रहते हैं, अच्छा माला करनी, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हाँ ये काम निबट गया, हो गया, अभी अदय अरे रीडिंग भी करनी, लगाओ प्रभुपाद जी का बुक लाओ, गीता लाओ, गीता ओ आज का श्लोक, हाँ हाँ ठीक है, ये भी हो गया, ठीक है रीडिंग भी होगी, हियरिंग लेक्चर लगाओ जरा सा काम करते, हाँ लेक्चर, हाँ ये भी हो गया, माला भी हो गया और जब भी हो गया और रीडिंग भी हो गया, हाँ बस ठीक है एक काम निपटा दिया। जैसे संसार में काम निपटा रहे हैं वैसे अध्यात्म में भी काम निपटाते रहते हैं और दसियों साल काम निपटाते रहते हैं लेकिन चित्त में कोई परिवर्तन नहीं होता, स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो हमें शांत होकर के थोड़ा सा आत्मचिंतन करना चाहिए, विचार करना चाहिए और सोचना चाहिए कि अभी कुछ समय बाद या कभी भी हमें निकलना है, हम बिल्कुल अकेले जाएंगे तो हम कहाँ जाएंगे, मेरी क्या गति होगी, हम भगवान के धाम जाएंगे, हम स्वर्ग जाएंगे या हम नर्क जाएंगे या निम्न योनियों में जाएंगे, पृथ्वी पर आएंगे, कैसी मेरी चेतना है, मैं क्या कर रहा हूं, मैं शरीर को फायदा पहुंचाना चाहता हूं या आत्म को, अपने आप को फायदा पहुंचाना चाहता हूं, कि जीवन है क्या, वास्तव में हम कर क्या रहे हैं, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। कभी शांत होकर के अपने आप से थोड़ा चिंतन करना चाहिए, अपना परीक्षण स्वयं करना चाहिए, क्योंकि आपसे ज्यादा आपका अच्छा परीक्षण कोई और नहीं कर सकता है। तो इसलिए बेहतर है थोड़ा सा समय शांत होकर के अपने आप को देना चाहिए और जब हम वास्तविकता में एक सही चिंतन पर पहुंचेंगे तो निश्चित रूप से हम आध्यात्मिक जीवन को गंभीरता से लेंगे और उसको और अच्छे से करने का प्रयास करेंगे। यंत्रवत नहीं, हमको प्रयास करना चाहिए कि हम उसमें प्रवेश करें, ऊपर ऊपर भक्ति नहीं। तो हम सभी लोगों को जो कार्तिक जब चतुर्मास चल रहा है, इस चतुर्मास में थोड़ा सा अधिक तपस्याएं करनी है। तो चार मास में हम लोग चार नियमों का पालन करते हैं अलग अलग माह में। पहला माह जो कि अभी कल से शुरू हो जाएगा पूर्णमासी के बाद से, उसमें हम लोग इस माह कोई हरे पत्तेदार सब्जियां नहीं खाएंगे, है ना। और वास्तविकता में इसके पीछे साइंटिफिक रीजन भी होता था,
लेकिन हम साइंटिफिक रीजन को ध्यान में रखें ठीक है, क्योंकि कई बार लोग बहुत ज्यादा साइंस पर ध्यान देते हैं, लेकिन हमें अपने शास्त्र पर अधिक ध्यान देना चाहिए और उसमें बताए शब्दों को एज इट इज स्वीकार करना चाहिए और थोड़ी सी तपस्या कर लेनी चाहिए, उसमें क्या मुश्किल है। तो जैसा कि ये मंथ आ रहा है, पहला मंथ जो है चतुर्मास का श्रावण मास, इसमें क्या है, हमको क्या करना है, अधिक से अधिक श्रवण करना है ना, भगवान की कथाओं का, भगवत भजन का, है ना। और क्या करना है हमको, पत्ते वाली हरी सब्जियां जो है, पत्ते वाली सब्जियां उनको नहीं खाना है। अब पत्ते वाली सब्जी नहीं खानी है तो एकदम दिमाग में ये नहीं आएगा अब हरी धनिया नहीं पड़ेगी तो फिर खाना कैसा बनेगा, भाई धनिया तो डालेंगे डालेंगे, है ना। तो थोड़ा सा तपस्या के मूड में आए, इस समय हम जो भी हरी पत्तेदार सब्जियां हैं उनको एक महीने के लिए छोड़ दें। उसके बाद अगला महीना जो आएगा उसमें हम लोग दही को छोड़ देंगे, है ना। उसके बाद जो आएगा उसमें हम दूध को छोड़ेंगे और फाइनली कार्तिक मास में हम लोग दाल को छोड़ेंगे, है ना, तो उर्द का दाल। तो इस तरीके से हम लोग प्रयास करेंगे कि इन चारों मासों का थोड़ी थोड़ी तपस्या है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन कई बार लोगों को इतना करना भी बहुत मुश्किल लगता है, उनको लगता है अरे एक महीने हम दूध नहीं पिएंगे, अरे आप दूध नहीं पिएंगे लेकिन दही तो खा रहे हैं, तो आप दही खा सकते हैं, जिस समय दही खा रहे हैं उस दिन दूध नहीं पिएंगे। तो थोड़ी थोड़ी तपस्याएं हमको करने का अभ्यास करना चाहिए। तो कल से हम लोग ये अभ्यास कर सकते हैं, हमारी अपनी इच्छा है, कोई दबाव नहीं है, लेकिन हम अगर चाहें तो ऐसा कर सकते हैं कि एक माह हम लोग हरी पत्तेदार सब्जियां नहीं खाएंगे और उसके बाद में दही नहीं खाएंगे और उसके बाद दूध नहीं खाएंगे, है ना। जो श्रावण मास है इसमें हरी पत्तेदार सब्जियां, उसके बाद जो भादो आएगा उसमें दही नहीं, और उसके बाद अश्विनी मास आएगा, है ना, उसमें हम लोग दूध नहीं पिएंगे, और फिर कार्तिक मास आएगा जिसमें हम लोग उर्द की दाल नहीं खाएंगे। तो ये चार नियम चार महीने में हमको पालन करने हैं। और केवल ऐसा नहीं कि हमने हरी पत्ते सब छोड़ दिया, दूध छोड़ दिया, छोड़ दिया, नहीं, इसके साथ साथ हमें अपनी साधना बढ़ानी होगी। हमको कम से कम अपना नाम जप बढ़ाना होगा, अगर हम दो माला कर रहे हैं तो चार माला करें, चार कर रहे हैं तो आठ करें, ऐसे करके अपनी साधना को, स्वाध्याय को, थोड़ा आत्मचिंतन आत्मविश्लेषण करना चाहिए। पहले के समय में जो ऋषि मुनि होते थे उन चार मासों में बाहर कहीं यात्रा पर नहीं जाते थे, एक ही स्थान पर रह करके भजन करते थे, और उनका कारण, उनका भावना क्या रहती थी कि बाहर जाएंगे तो बारिश के समय में आप देखते हैं कि बहुत सारे कीड़े, बहुत सारे जो कीट होते हैं वो निकल आते हैं, तो वो पैरों से उनकी हत्या होगी या जीव हत्या होगी, तो इसलिए वो उनके प्रति अपराध न हो इसलिए वो एक ही स्थान पर रह करके भजन करते थे। लेकिन चूंकि प्रचारक प्रचार सेवा में निश्चित रूप से आचार्यों ने प्रचार को अधिक महत्व दिया है, तो हम सावधानी से चलते हुए हम प्रयास कर सकते हैं कि हम प्रचार सेवा है तो निश्चित रूप से हम लोगों को आना जाना पड़ता है, और आना जाना सेवा के लिए चाहिए, केवल अपनी इच्छाओं के लिए नहीं। तो इस तरह से हम लोग कार्तिक ये जो अपना चतुर्मास है इसको पालन करेंगे और इसमें थोड़ी थोड़ी तपस्या बढ़ा करके अपने चित्त को शुद्ध करने का प्रयास करेंगे। तो कार्तिक में मैं बहुत चतुर्मास या कार्तिक मास पर मैं कार्तिक मास जब आएगा तब इस पर और डीप चर्चा करेंगे, क्योंकि कार्तिक मास बहुत विशेष मास है। इन चारों मासों में कार्तिक मास की बड़ी महिमा है। तो कार्तिक मास तक मैं चाहता हूं कि आप लोग कम से कम भक्ति की चेतना के उस स्तर तक पहुंच जाएं जिससे कि कार्तिक मास को समझ सकें। मैं शुरुआत में अभी आप लोगों से बहुत सारी चीजें हैं उनको शेयर नहीं करता हूं, जैसे कि हमारे आचार्यों का आविर्भाव, तो चूंकि हमारा आचार्यों से कोई अभी संबंध ही नहीं है तो हमें आविर्भाव त्रिभाव से क्या करना है, है ना। तो अभी बहुत सारे उत्सव हैं उनको भी अभी हम जैसे नहीं उतना समझ रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हमारी प्रगति होगी वैसे वैसे हम सब चीजों को समझेंगे और उसको और अच्छे से करने की कोशिश करेंगे। तो आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि इस माया से निकल करके कैसे हम भगवान के प्रेम को प्राप्त करें। इस संसार में माया के कारण हम संसार से प्रेम कर रहे हैं, हम संसार से आसक्त हो रहे हैं, हमारी संसार में रुचि है लेकिन भगवान में रुचि नहीं है, भगवान में आसक्ति नहीं है और भगवान से प्रेम नहीं है। क्या आप सब सहमत हो
क्या ये बात सही है या कुछ परसेंट तक सही है, पूरी पूरी तरह सही नहीं है। हम सबकी आसक्ति, हम सबकी रुचि, हम सबका तथाकथित जुड़ाव या प्रेम संसार के प्रति है या भगवान के प्रति है? स्नेहा माता जी, प्रभु जी क्या विचार है? संसार के प्रति ज्यादा है प्रभु। और भगवान के प्रति है थोड़ा सा? हाँ है, लेकिन पूरा ज्यादा नहीं कर पा रहा है। हाँ, लेकिन थोड़ा सा है, लेकिन वह संसार में अधिक है। ठीक है, धन्यवाद। अगर परसेंटेज पूछे तो कितना संसार में कितना भगवान में? मतलब कर सकते हैं कि ना के बराबर ही है। मतलब इससे बात ही कम है, मतलब इससे बात स्पष्ट हो जाएगी। अगर आप स्वयं को बांटना चाहें इतना अनुपात में हमारा भगवान से है और इतना, कितना परसेंट देंगे संसार को, कितना भगवान को? मतलब अभी तो 1-2%। ठीक है, धन्यवाद जी। मोहिता जी, श्री प्रभु जी इतने 2% भगवान में। ठीक है, और 98 संसार में। आशीष प्रभु, प्रभु इतना ही है, 3-4% तक। अच्छा, अच्छा, 1-2% बढ़ा दिया थोड़ा सा, है ना, कभी सब तो एक नहीं बोलेंगे। नहीं मैंने जो है 12 घंटे को डिवाइड कर दिया, आधे घंटे भगवान का नाम लेता हूँ तो उसको डिवाइड करके बताया आपको। अच्छा, वाला टाइम है। ठीक है। तो देखिए, मैं बात कर रहा हूँ केवल जो आधा घंटा भी हम दे रहे हैं ना भगवान को, उसमें भी मेरी उनमें रुचि नहीं है, उनमें आसक्ति नहीं है, उनमें प्रेम नहीं है। यही विचार करने के लिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि हमारा भगवान में या भगवान से, भगवान में रुचि नहीं है, भगवान में आसक्ति नहीं है, भगवान में प्रेम नहीं है। तो हम कैसे भगवान से प्रेम करें, कैसे हम भगवान में रुचि जागृत करें, कैसे हम उनमें आसक्त हों? भगवान या भगवान के भक्त एक ही हैं। कैसे हमारा भगवान, भगवान के भक्तों में, गुरुजनों में रुचि हो, कैसे हमारा भगवान और गुरु में हमारी आसक्ति हो, कैसे भगवान और गुरु में हमारा प्रेम हो, तो ये वास्तव में कैसे प्राप्त होगा? तो इसको आचार्यों ने बताया है, रूप गोस्वामी पाद जी ने हमको बताया है। वो बताते हैं, श्रद्धा से इसकी शुरुआत होती है। इसके पायदान बताए, पहला है श्रद्धा, दूसरा है साधु संग, तीसरा है भजन क्रिया, चौथा है अनर्थ निवृत्ति, और पांचवा है निष्ठा, छठवां है रुचि, सातवां है आसक्ति, और आठवां है भाव, और नौवां है प्रेम। तो इनमें से एक एक को समझते हैं। शुरुआत कैसे होती है? अभी हम लोग शुरुआत पे आ रहे हैं, क्योंकि इतने दिन तक जो क्लास किया हम लोगों ने, वो ये समझने के लिए था कि वास्तविकता में हम शरीर नहीं, हम कौन हैं? हम आत्मा हैं। फिर हमने ये भी समझा कि ये आत्मा ही जब तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण में फंसी होती है, तो जो प्रधान होता है वो उसको उस योनि में या उस लोक में ले जाती है। ऊपर के लोकों को भी जानने की कोशिश करी कि ऊपर के लोकों में कितना समय है। अगर हम देवताओं की बात करें तो देवताओं का 6 महीना और हमारा 1 दिन, सॉरी, हमारा 6 महीना और देवताओं का 1 दिन बराबर है। इसीलिए आप देखते हो 6 महीने उत्तरायण होता है और 6 महीने दक्षिणायन होता है ना? तो जो उत्तरायण का समय होता है वो देवताओं का दिन है, और जो दक्षिणायन का समय है वो देवताओं की रात्रि है। अगर हम ब्रह्मा जी की बात की थी हम लोगों ने, वहां और भी समय बढ़ता है, वहां 1 दिन में ही 14 इंद्र चेंज हो जाते हैं, तो उसको भी समझा। फिर हम लोगों ने समझा ये सब कैसे होता है, कैसे जीव भ्रमित है, तो वास्तव में माया के कारण, माया में व्यक्ति नहीं समझ पाता है कि हमारे जीवन का क्या उद्देश्य है, वो भ्रम में रहता है।
लेकिन इस माया से कैसे निकलें, कैसे हम भगवान से प्रेम करें, हम इस अज्ञानता से कैसे निकलें, तो उसकी उसकी चर्चा हम लोग आज कर रहे हैं। तो वास्तव में इसकी शुरुआत होती है श्रद्धा से। तो श्रद्धा सब समझते हैं, आप सबको श्रद्धा है, श्रद्धा जानते हैं, कोई यहां श्रद्धा है तो नहीं? श्रद्धा क्या है बताएंगे? श्रद्धा सब तो सबने सुना है ना, कृपया शीघ्रता से उत्साहपूर्वक जल्दी जल्दी बताएं जिससे कि हम लोग कम समय में चीजों में आगे बढ़ें। जी, भगवान के प्रति रुचि या भगवान के प्रति प्रेम, भगवान के प्रति रुचि या भगवान के प्रति प्रेम क्या है? श्रद्धा है, ठीक है, माता जी के अनुसार। ठीक, और बताइए। अपने दिल से किया गया कार्य, मन से किया कार्य, जो मतलब पूरी श्रद्धा से, मन से किया गया कार्य या दिल से किया गया कार्य श्रद्धा है। मान लो अगर हम अपने पपी को बड़े दिल से नहला रहे हैं, उसके उसको खिला रहे हैं, तो क्या हमारा पपी में श्रद्धा है? श्रद्धा तो किसी भी चीज में हो सकता है ना प्रभु जी? नहीं नहीं, चाहे वो भगवान के प्रति हो या किसी भी किसी को कुछ दान करना हो या किसी के अभी लिए हम कुछ कार्य करना। अभी हम लोग इसी पे चर्चा करेंगे। हम लोग शब्दों को सुनते जरूर हैं, लेकिन शब्दों को जानते नहीं वास्तविकता में, शब्द का वास्तविक अर्थ क्या है। धन्यवाद, आपने बताने का प्रयास किया। जी, मैं सबसे सुनना चाहूंगा, क्योंकि देखिए सुनने का मतलब है आपको आपकी गलत धारणाओं से निकालना। आप जो सोच रहे हैं, आप जो सोच रहे हैं, मैं केवल ये जानना चाहता हूं। अगर मैं नहीं जानूं, मैं बोल दूं, तो आपका जो आपके दिमाग में चल रहा है वो कटेगा नहीं। तो इसलिए उसको बताओ आप, जिससे आप क्या समझ रहे हो, फिर जो वास्तविकता है शास्त्र में आचार्यों ने जो बोला है उसको हम चर्चा करेंगे। तो मैं इसलिए आप सबसे पूछता हूं। तो जल्दी जल्दी बताइए सब लोग, मोहिता जी, प्रीति जी। प्रभु जी, जब हम किसी के प्रति पूरा विश्वास करते हैं तो इसी को श्रद्धा कहते हैं। किसी पर पूरा विश्वास करते हैं तो उसको श्रद्धा कहते हैं। अच्छा ठीक है, चलो आपको माता जी को ले लेते हैं, प्रीति माता जी को। मान लो प्रीति माता जी अपने बेटे को ले गई नाई के पास, है ना, और नाई के पास क्या है? उस्तरा, है ना। अभी वो प्रीति माता जी को पक्का विश्वास है कि ये बच्चे का क्या करेगा, हजामत करेगा, ये काटेगा नहीं, है ना, पक्का विश्वास है कि नहीं है? हाँ, विश्वास। नाई के पास जो जाते हैं तो फिर प्रभु जी उस पर विश्वास ही होता है, तभी से हेयर कटिंग कराने जाते हैं। हाँ, तो इसका मतलब फिर आपकी श्रद्धा हो गई नाई में। हाँ प्रभु जी, श्रद्धा तो किसी में भी होती है, मतलब माँ बाप के प्रति श्रद्धा होती है। अभी 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 हम आ रहे हैं, धीरे धीरे आ रहे हैं। आपको नाई में, नाई को श्रद्धा हो गई आपको नाई में? नाई में श्रद्धा नहीं होती है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, धन्यवाद। जी मोहिता जी, प्रभु जी मैं भी यही सोचती हूँ, पूर्ण तो वो आपको संभाल लेंगे। हाँ, तो नाई नाई के ऊपर छोड़ दो अपने आप को, बिल्कुल संभाल लेगा आपको, है ना। तो ठीक है, नाई से हमारा श्रद्धा है, ठीक है। और कोई बताना चाहेगा श्रद्धा को, क्या श्रद्धा के विषय में आप क्या सोचते हैं? कुछ अन्य अदृश्य भक्तों से भी पूछ लें। जी, हरे कृष्णा माता जी। मैं तो श्रद्धा वो जैसे प्रेम और भक्ति, श्रद्धा उस भगवान की तरफ है, या फिर अपने माता पिता की तरफ श्रद्धा है, या बच्चों की तरफ प्रेम है, वैसी श्रद्धा। तो बच्चों से प्रेम है तो बच्चों से श्रद्धा है? श्रद्धा मेरी बच्चों में बड़ी, आप, मैं थोड़ा सेंटेंस बोल रहा हूँ, उससे थोड़ा समझिए। मेरी बेटी में, मेरे बेटे में बड़ी श्रद्धा है, और इनकी श्रद्धा, इनमें श्रद्धा रख के निश्चित रूप से मेरा कल्याण होगा। क्या संभव है? सही सेंटेंस लग रहा है? नहीं। तो इसका मतलब हमारा श्रद्धा शब्द को लेकर के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। प्रभु जी, जी
हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा लक्ष्मी माता जी। जी मुझे लगता है श्रद्धा का मतलब भगवान के प्रति हमारा लगाव और समर्पित होके किया हुआ कार्य श्रद्धा में आता है। भगवान के प्रति हमारा लगाव और वो ठीक है। और कोई बताना चाहेगा? उपेंद्र सिंह प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। मेरे हिसाब से धार्मिक विश्वास जो है वो श्रद्धा है। वो विश्वास किसी पे भी हो सकता है। धर्म के हिसाब से आपका जैसे आपका किसी भगवान को ले लीजिए तो उस पर आपकी श्रद्धा हो गई तो उससे हम इसको मतलब रिलेट कर सकते हैं। अच्छा, मतलब धर्म या भगवान पे जो विश्वास है वो श्रद्धा है। जी ठीक है, तो धन्यवाद, आप सबने प्रयास किया, उत्तर दिए। अब हम समझ लेते हैं वास्तव में श्रद्धा का वास्तविक अर्थ क्या है। तो आचार्य बताते हैं, श्री प्रभुपाद जी बताते हैं, हमारे अन्य जो हमारी परंपरा के जो आचार्य हैं उन्होंने बताया है कि वास्तव में श्रद्धा का मतलब है अलौकिक वस्तु में अटूट विश्वास। संसार में दो वस्तुएं हैं, एक लौकिक और दूसरा अलौकिक। तो अलौकिक वस्तु में जो अटूट यानी दृढ़ विश्वास, पक्का विश्वास, उसको बोलते हैं श्रद्धा। जैसे भगवान अलौकिक है तो भगवान में हमारी क्या है? श्रद्धा है ना। तो श्रद्धा शब्द का मतलब क्लियर हुआ, अलौकिक वस्तु में या व्यक्ति में अटूट विश्वास, उसे हम क्या बोलते हैं? श्रद्धा। जैसे भगवान का धाम है वृंदावन धाम, है ना, तो उसमें अगर हमारा विश्वास है तो हम कह सकते हैं हमारी वृंदावन धाम में श्रद्धा है, है ना। अभी इसको और थोड़ा समझ लेते हैं, क्योंकि इस श्रद्धा को समझने में दो शब्द आ गए हैं, एक लौकिक और एक अलौकिक। अलौकिक क्या है और लौकिक क्या है? आप सबने ये दो शब्द सुने हैं, लौकिक और अलौकिक। कोई एक व्यक्ति क्लियर करेगा कि लौकिक क्या है और अलौकिक क्या है? कोई भी बताना चाहेगा? जो इस दुनिया की जो इस दुनिया में है वो लौकिक हो गया, और जो इस दुनिया में से नहीं रिलेट करता है वो अलौकिक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है कि जो इस दुनिया का है, जिसको हम देख रहे हैं, समझ रहे हैं, जान रहे हैं, या जो इस संसार का है, सरल भाषा में जो इस लोक का है वो लौकिक, और जो इस लोक का नहीं है वो अलौकिक। आ मीन्स नहीं, लौकिक मीन्स लौकिक। तो जो इस लोक का नहीं है वो अलौकिक है, और जो इस लोक का है वो लौकिक है। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अब बड़े बड़े समस्याएं क्रिएट होंगी, बड़ा प्रश्न उठेगा, है ना। तो अभी चर्चा करते हैं, भगवान का जो अर्चा विग्रह है वो लौकिक है कि अलौकिक है? अलौकिक। आप मंदिर में जाते हो भगवान के अर्चा विग्रह को दर्शन करने, आपको बड़ा खूबसूरत सा उनका दर्शन मिलता है आपको, है ना, तो वो लौकिक है, इस लोक के हैं या परलौकिक हैं, क्या है? प्रभु जी अलौकिक हैं। भगवान अलौकिक हैं कि लौकिक हैं? अलौकिक हैं। अच्छा ठीक, और कोई? आशीष प्रभु। वैसे मतलब मूर्ति, मैं सोच रहा हूँ कि मूर्ति तो लौकिक ही कहलाएगी, लेकिन शायद उसमें प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है भगवान लोगों की, तो इस वजह से अलौकिक हो जाता है। अच्छा ठीक है, तो आपके घर में जो मंदिर में भगवान बैठे हैं उनमें तो प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई हुई है, तो फिर वो लौकिक हैं, पीतल के हैं? हाँ नहीं, मतलब मेरा डाउट है प्रभु जी। मेरा मेरा उत्तर है कि
भगवान अलौकिक है, लेकिन हम अपनी भावना से उनको लौकिक या अलौकिक बना देते हैं। भगवान अलौकिक है लेकिन हम अपनी भावना से उनको लौकिक बना देते हैं, या अलौकिक या अलौकिक। ठीक ठीक भावना ठीक है। और थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं, और थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो चीजें स्पष्ट होंगी। भगवान का धाम, भगवान के भक्त गुरु है ना, या वृंदा देवी तुलसी देवी में लौकिक हैं या अलौकिक हैं? श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवत, ये लौकिक हैं या अलौकिक हैं? अलौकिक जी। गुरु अलौकिक हैं जी। गीता और भागवत आपको पूरा एक गत्ते में सारा मिलता है, 10-12 बुक्स, तो वो अलौकिक हैं जी प्रभु जी, क्योंकि वो प्रभु भगवान द्वारा स्वयं बोला गया है। अच्छा। या प्रभु पर रचा गया है तो वो अलौकिक है, अलौकिक ज्ञान दे रहा है जो कि अलौकिक की तरफ हमें ले जा रहा है। ठीक है, चलिए। और मोहिता जी कुछ बताएं, आपका विचार क्या जी? मैं सोचने लगी तब मुझे कंफ्यूजन हो रहा है, क्योंकि मूर्ति तो मिट्टी पत्थर मेटल किसी का भी बना होता है, तो वैसे तो वो लौकिक ही है, पर हम उसको जैसी जिस भावना से देखते हैं या पूछते हैं वो उसको अलौकिक बनाती है। तो वास्तविकता में वो लौकिक है क्या अलौकिक है, आप क्या सोचते हैं? मैं व्यक्तिगत आपसे पूछ रहा हूँ, मैंने आपसे प्रश्न किए सबसे, भगवान का अर्चा विग्रह, गुरु या वैष्णव या वृंदा देवी, ये लौकिक हैं या भगवान का धाम, ये लौकिक हैं या अलौकिक हैं? अलौकिक 100% या 50-50? नहीं 100% जी। ठीक है, और लौकिक क्या है, और संसार की चीजें लौकिक हैं? जिस चीज से हमें आसक्ति होती है शायद वो लौकिक है। अच्छा, जिससे आसक्ति होती है वो लौकिक है, तो कल अगर हमारी भगवान में आसक्ति होगी तो भगवान लौकिक हो जाएंगे? नहीं, मतलब भौतिक चीजें जो होती हैं, मतलब अगर गलती से अगर मान लो भगवद गीता में हो गया या गुरु में हो गया तो गुरु लौकिक हो जाएंगे, भौतिक पुस्तकें जो आध्यात्मिक पुस्तकें वो लौकिक हो जाएंगी, तो आपकी आसक्ति बड़ी खतरनाक है। हमको समझना है, थोड़ा सा खोलना है ना, स्नेहा माता जी बताएंगे प्रभु जी, क्योंकि हमें उनमें अटूट विश्वास होता है। अभी आपने बताया कि श्रद्धा होता है अलौकिक वस्तुओं में, तो इसलिए अलौकिक है। नहीं नहीं, एक अलौकिक विश्वास की बात नहीं है, वास्तविकता क्या है, ब्लाइंड फेथ की बात नहीं चल रही है कि हम विश्वास कर रहे हैं इसलिए अलौकिक है। नहीं, कि वास्तव में वो लौकिक है या अलौकिक है, सीधा या तो इस पार या उस पार। पता नहीं प्रभु जी, कंफ्यूज हूँ। अच्छा ठीक है, और कोई बताना चाहेगा आप में से कोई भक्त अपने विचार? गुरु जी, मैं अगर डेफिनेशन के हिसाब से जाऊं तो मेरे लिए जो इस संसार में है वो लौकिक है, वो चाहे भगवान का मंदिर हो या उनका उनसे चाहे गुरु जी हो, वो मेरे हिसाब से लौकिक है जी। या वृंदा देवी तुलसी जी? जी लौकिक है जी। ठीक है, तो देखिए यही सब संशय हैं, जिन संशयों के कारण हम आध्यात्मिक जीवन में वास्तव में प्रगति नहीं कर पाते। अब ये लौकिक और अलौकिक का सिस्टम समझ लीजिए, लौकिक
लौकिक वस्तु से लौकिक को देखा जा सकता है और अलौकिक से अलौकिक को देखा जा सकता है, है ना। जैसे आप इस लोक के हैं तो इस लोक के लोगों को देख पाएंगे, लेकिन दूसरे ग्रह के प्राणी होंगे अगर, तो वो उनको देखने का, उनको समझने का, उनको बात करने का उनका एक अलग नजरिया होगा, उनका एक अलग दुनिया होगा, है ना। तो अलौकिक अलौकिक को समझ सकता है और लौकिक लौकिक को समझ सकता है। ठीक बात है, इससे सहमत है सब, क्योंकि हम इस लोक के हैं तो इस लोक की चीजें हमें समझ आती हैं और इस लोक से दूसरे लोक की चीजें वो हमारी समझ में नहीं आती। तो जब हम आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रगति करते हैं तो चूंकि हमारा मन लौकिक है, हमारी बुद्धि लौकिक है, हमारी आंखें लौकिक हैं, हमने जो ज्ञान अर्जित किया है वो भी संसार के ही ज्ञान अर्जित किया है लौकिक, तो इसलिए अलौकिक वस्तुएं होते हुए भी हमें नजर नहीं आ रही हैं, हम नहीं उनको समझ पा रहे हैं कि वास्तविकता में ये कैसे अलौकिक है, ये कैसे अलौकिक है, क्योंकि अलौकिक का कोई ज्ञान ही नहीं। हमारा मन लौकिक है, हमारी बुद्धि लौकिक है, हमने जो शिक्षा ली है वो लौकिक है, क्योंकि हम शिक्षा से ही तो देखते हैं। हम शिक्षा से देखते हैं या नहीं देखते हैं? आपको अगर शिक्षा नहीं मिली होती कि इसको दीवार बोलते हैं, इसको छत बोलते हैं, इसको सोफा बोलते हैं, इसको कुर्सी बोलते हैं, तो आप क्या बोलते हैं? आपको शिक्षा मिली कि ये दीवार है तो हमने कहा हाँ अच्छा ठीक है ये दीवार है, ये छत है हाँ ये छत है। अभी सबने इसको छत बोला, इसको दीवार बोला, तो सब इसको दीवार बोल रहे हैं, इसको छत बोल रहे हैं, इसको कुर्सी बोल रहे हैं, इसको टेबल मेज बोल रहे हैं, ठीक है। तो एक शिक्षा से ही हम देखते हैं, तो चूंकि हमें हमारे पास अलौकिक शिक्षा है ही नहीं, लौकिक शिक्षा है, तो लौकिक शिक्षा के कारण हम लौकिक वस्तुओं को देख पा रहे हैं, लौकिक को समझ पा रहे हैं, और हमारा लौकिक बुद्धि है तो बार बार अलौकिक को डाउट करता है, अरे ऐसा थोड़ी है। अर्चा विग्रह जैसे अभी सब भक्तों ने कहा कि नहीं भगवान का अर्चा विग्रह अलौकिक है, अलौकिक है, पूरा जोर लगा करके कहा कि भाई अलौकिक है, ठीक है। लेकिन आप विचार करो, आप अर्चा विग्रह की सेवा कर रहे हो, भगवान को वस्त्र पहना रहे हो, उनको श्रृंगार कर रहे हो, उनको भोजन रख रहे हो, रोज उनको भोग लगा रहे हो, है ना। पर अचानक आप क्या देखते हो कि चूहा आया और भगवान की रोटी उठा करके ले गया, बस डाउट शुरू, ये कैसे अलौकिक है, कैसे भगवान है अपनी रोटी की रक्षा कर नहीं पा रहे, हमारी क्या रक्षा, हमारी क्या खाक रक्षा करेंगे। कई ऐसे नास्तिक हो गए, उन्होंने कहा अरे ऐसा थोड़ी होता है, भगवान के समक्ष हमने भोजन रखा और चूहा आकर के उठा ले गया रोटी उनका, डाउट होगा कि नहीं होगा, अरे कहां भगवान है, पत्थर ही तो है। वृंदा देवी में सेवा करते हैं, उनको जल देते हैं तो बिल्कुल यही भाव, अरे हम जल नहीं देंगे तो ये कल सूख जाएंगे, ये पूर्ण रूप से हमारे ऊपर डिपेंड है ना, कहां अलौकिक है, कैसी अलौकिक है। या आचार्य गुरु वैष्णव संत महा, ये कहां से लौकिक हो गए, जैसे हम हैं वैसे ये हैं। अरे ठीक है, चार किताबें ज्यादा पढ़ लिया, चार साल ज्यादा सत्संग कर लिया, क्या अंतर है, जैसे हम वैसे ये, क्या अंतर है, कहां से अलौकिक हो गए। तो लौकिक वस्तुओं को लौकिक शिक्षा के माध्यम से हम जान रहे हैं, ऐसे ही अलौकिक वस्तुओं को अलौकिक शिक्षा जब प्राप्त होगा तब हम जान पाएंगे। अगर लौकिक शिक्षा नहीं मिली होती तो शायद लोक की वस्तुओं को भी हम नहीं पहचान पाते, नहीं जान पाते। तो इसी प्रकार जब तक हमको अलौकिक शिक्षा नहीं होगा, हम ये नहीं जान पाएंगे वास्तविकता में कि वास्तविक जीवन क्या है, वास्तव में अलौकिक जीवन क्या है, क्या है अलौकिक, क्या है लौकिक। तो
तो अभी हम बात कर रहे थे श्रद्धा की, तो श्रद्धा में ये टॉपिक चल रहा है, श्रद्धा की गहराई में हम लोग जा रहे हैं। तो अभी आपसे अगर पूछा जाता कि आप में श्रद्धा है, तो हम एक हाथ नहीं दोनों हाथ खड़े करते, श्रद्धा हाँ। अब हम में श्रद्धा नहीं है तो किसमें श्रद्धा होगी? हमारे तो सारे पड़ोसी बोलते हैं ये तो बड़े भक्त हैं कृष्ण के, बड़े साधक हैं, आए दिन मंदिर ही जाते रहते हैं, नजरी घर में, घर से जैसे ही छुट्टी मिलती है मंदिर सत्संग करते हैं, कीर्तन करते हैं। हमें श्रद्धा नहीं है तो किसमें श्रद्धा है, है ना? और अभी श्रद्धा को पूछ रहे हैं तो हम लोग सब अटके हुए हैं श्रद्धा पे ही, अटके हैं कि श्रद्धा है क्या। तो अलौकिक वस्तु में अटूट विश्वास क्या है? श्रद्धा है। और अलौकिक को समझना आवश्यक है कि वास्तविकता में जो इस लोक का नहीं है उसमें विश्वास, जो इस लोक का है उसमें विश्वास होने से श्रद्धा नहीं होगा, उसे फिर श्रद्धा नहीं कहेंगे, उसे विश्वास बोलेंगे। लेकिन जो इस लोक का नहीं है उसमें जब आपका विश्वास है, यानी भगवान में जब आपका विश्वास है, भगवान के द्वारा दिया गया जो ज्ञान है, वेद है, पुराण है, उपनिषद है, उनमें जो आपका विश्वास है, या उन वेद और पुराणों को जो एक्सप्लेन कर रहे हैं, जो उनको हमें समझा रहे हैं, जो में हमारा अलौकिक वस्तु में अटूट विश्वास है, यानी उसे श्रद्धा बोलेंगे। यानी भगवान में श्रद्धा, भगवान में विश्वास, ये श्रद्धा है। गीता भागवत में, वेद में विश्वास, ये श्रद्धा है। और कैसा विश्वास? अटूट। ऐसा नहीं कि आज तो विश्वास है और कल विश्वास नहीं है। बोले भगवान में बड़ा बड़ा विश्वास है। बोले क्यों विश्वास है? बोले हम 10 साल से इनका सेवा कर रहे हैं और जो जो मांग रहे हैं सब कुछ पूरा हो रहा है। बोले पक्का विश्वास है पूरा, भाई भगवान की बड़ी कृपा है, या भोले बाबा की बड़ी कृपा है, या हनुमान जी की बड़ी कृपा है, या साईं बाबा की बड़ी कृपा है, चल रहा है पूरा विश्वास। और ठीक है, अभी तुम खूब जितने लड्डू चढ़ाना है चढ़ाओ, तुम चाहे मात्रा दुगनी कर दो, पहले 1 किलो लाते थे अभी 2 किलो लाओ, पहले 1 घंटे हमारे पास रुकते थे अभी 2 घंटे रुको, अभी कुछ भी कर लो, कोई काम नहीं बनेगा तुम्हारा 5 साल तक। ठीक है, अभी क्या होगा? सारा श्रद्धा, सारा विश्वास बोले खत्म, बोले चेंज करो, अरे ये ठीक नहीं है, बदलो भाई बदलो, बहुत हो गया। चेंज तो जीवन का उसूल है, अभी ज्यादा समय तक एक में ही मत लटके रहो, जितना काम लेना था इनसे ले लिया है, अब चलो दूसरे को पकड़ते हैं, है ना? तो अभी चेंज करते हैं। तो ये श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा का मतलब है अटूट। अटूट मतलब तो हमें समझना होगा वास्तव, ये अटूट विश्वास कैसे आएगा। तो अगर हम जब इसको इनको अलौकिक समझेंगे तब हम वास्तव में इन पर विश्वास कर सकते हैं, और जब तक हम इनको अलौकिक ही नहीं समझेंगे, अपने जैसे ही समझेंगे, तब तक हमारा इनमें विश्वास नहीं होगा। क्योंकि हम अपने जैसा कैसे समझते हैं? हमारे पास जितनी बुद्धि है, जितनी शिक्षा है, जितना विवेक है, जितनी दृष्टि है, उससे ज्यादा नहीं समझ सकते। और हम सब है किसी भी अलौकिक वस्तु को लौकिक बनाने की। हमारे मन में असीम शक्ति है किसी भी अलौकिक वस्तु को लौकिक बनाने में। हमारे मन में असीम शक्ति है किसी भी आध्यात्मिक वस्तु को भौतिक बनाने में। तो मन के कारण क्या होता है कि ये मन क्या करता है, हमेशा जो अलौकिक वस्तुएं हैं उनको लौकिक बना देता है। तो इसलिए मन पर कार्य करना पड़ेगा, मन को समझाना पड़ेगा, मन को शुद्ध करना होगा, मन को आध्यात्मिक बनाना पड़ेगा। जब तक हमारा मन आध्यात्मिक नहीं होगा, मेरा मन अलौकिक नहीं होगा, तब तक हम वास्तव में अलौकिक वस्तुओं को अलौकिक रूप में देख ही नहीं पाएंगे। क्योंकि मेरे मन को कोई आध्यात्मिक शिक्षा नहीं है, आध्यात्मिक ट्रेनिंग नहीं है,
अलौकिक ट्रेनिंग नहीं है। तो चूंकि अलौकिक ट्रेनिंग नहीं है इसलिए हम लौकिक दृष्टि से, लौकिक ट्रेनिंग से जो हमको प्राप्त है उसी से हम चीजों को देखते हैं, उसी को हम समझते हैं। तो वास्तविकता में भगवान यानी भगवान का अर्चा विग्रह, अगर भगवान का अर्चा विग्रह लौकिक है, पत्थर का है, तो क्यों लोग दंडवत कर रहे हैं? तब तो इसका मतलब सारे बेवकूफ हैं, ये क्या कर रहे हैं? बड़े बड़े आचार्य, संसार का आम जनमानस है उसे छोड़ो, आप देखो रामानुजाचार्य, निम्बार्काचार्य, माधवाचार्य, स्वयं चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी का डेली दर्शन करने जा रहे हैं, अर्चा विग्रह का दर्शन करने जा रहे हैं। हम जाएंगे जगन्नाथपुरी तो क्या देखेंगे? लकड़ी देखेंगे। अरे लकड़ी का हमें शिक्षा क्या दिया गया? बेटा ये लकड़ी है, ये पत्थर है, ये पीतल है, ये लोहा है, ये कांसा है, ये अष्ट धातु है, ये पांच तत्वों से बना शरीर है, हाड़ मांस मलमूत्र से बना शरीर है, ये लकड़ी से बना वृक्ष है, ये पत्तियां हैं, ये टहनियां हैं, इनमें पुंकेश्वर होते हैं, है ना, इनमें फूल होते हैं, इनमें फल लगता है ना, यही तो सब सिखाया है, यही तो पढ़ा है बचपन से। क्या पढ़ा है? क्या कोई अलौकिक शिक्षा प्राप्त की है? क्या कोई अलौकिक ज्ञान प्राप्त किया है? तो जो ज्ञान है ही नहीं आपके पास, आप उसे कैसे देखोगे? और जितना ज्ञान है उतना ही देखोगे, जितनी समझ है उतनी देखो। हाँ, अहंकार पूरा पूरा है। चार किताबें क्या पढ़ लेते हैं? चार किताबें अगर रख लेंगे, थोड़ा सा दो चार दस साल सत्संग कर लिया, फिर देखो सब, फिर पता चलेगा, खुद को समझाना तो दूर रहा, फिर हम गुरुजनों को समझाना शुरू कर दें, फिर हम भक्तों को, जब वरिष्ठ भक्तों को समझाना शुरू कर दें, अरे तुम क्या कर रहे हो, आओ मेरे पास, हम तुम्हें समझाते हैं। तो वास्तविकता यह है कि हमको थोड़ा सा अपने को, जितनी जल्दी हम मूर्ख मान लेंगे उतना काम सरल हो जाएगा, वरना बड़ी मुश्किल आने वाली है ये आध्यात्मिक पथ पे। हर समय हमारी बुद्धि टकराएगी हर समय और कहेगी अच्छा ऐसा कैसे होता है, ऐसा थोड़ी होता है, हमने कोई 20 साल की पढ़ाई है हमारे पास। अब कोई कहे कि ये भगवान पत्थर के नहीं है, ये भगवान वास्तव में है, तो आप बताओ विश्वास होगा? क्या लग रहा है कोई संभावना है विश्वास करने की? तब हम क्या बोलेंगे? अच्छा ऐसा है, पागल किसी और को बनाना, हम बुद्धिमान हैं, हम ऐसे मूर्ख नहीं हैं, हम अंधे नहीं हैं, हमको दिख रहा है, हमने छू के देखा है, हम मकराना से ले गए थे मार्बल, हमने मिला के देखा है, बिल्कुल वही है, जो ये है वो है। तो अगर भौतिक बुद्धि से हम भगवान को या अलौकिक वस्तुओं को जानना चाहेंगे तो यह संभव नहीं है। इसलिए भगवत विषय को क्या कहा गया? अचिंत्य। अ मीन्स नहीं, चिंत मीन्स चिंतन के परे है, जो मेरी बुद्धि से परे है, मेरे मन से परे है। भैया इसको और सरल तरीके से समझो, आपका बुद्धि लौकिक है, आपका शिक्षा लौकिक है, आपका मन लौकिक है, तो लौकिक शिक्षा से, लौकिक मन से, लौकिक बुद्धि से केवल लौकिक वस्तुओं को जाना जा सकता है, समझा जा सकता है, इसमें कौन सी मुश्किल है? अलौकिक मन, अलौकिक बुद्धि, अलौकिक शिक्षा से अलौकिक वस्तुओं को जाना जा सकता है। और दुर्भाग्यवश लौकिक शिक्षा इतनी गहरी हो गई है कि अलौकिक पर संशय तुरंत खड़ा रहता है, हमेशा अलौकिक पर प्रश्न खड़ा रहता है, लौकिक पर कोई प्रश्न नहीं है। लौकिक में कितना ही चीटिंग हो जाए, कितना ही धोखा हो जाए, कोई बात नहीं फिर करेंगे, और अलौकिक में जरा अरे क्या सब चारों तरफ ऐसे ही है, कहीं कुछ नहीं है। लौकिक में रोज ठगे जा रहे हैं, रोज संबंध बना रहे हैं और रोज ठगे जा रहे हैं, लेकिन फिर भी संबंध बना रहे हैं। बोले वो मित्र बनाया था, अरे वो ले गए हमारा 2 लाख रुपए लेके चला गया, देखो कितना बढ़िया था, कितना अच्छा दिखा रहा था, आज वो चीट कर लिया तो मित्र बनाना छोड़ दिया। बोले नहीं ऐसा कैसे, बिना मित्र के कैसे जीवन होगा, वे मित्र तो बनाएंगे, क्या हुआ वो ठगा, ठीक है रिश्तेदार बनाएंगे, वो रिश्तेदार आएगा वो चीट करेगा। बोले नहीं, अरे मेरा रिश्तेदार है, ठग लिया तो क्या हुआ, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, वहां कोई प्रॉब्लम नहीं है, है ना। लेकिन जहां अलौकिक में जरा सा संबंध बनाया और जरा सा कहीं अपनी बुद्धि से ऊंच नीच, अरे देखो हम तो पहले ही कहते चारों तरफ बड़ी ठगाई है, ये कहां चारों तरफ ये सब
पेट पूजा के धंधे हैं, अपना पेट कमाने के लिए सारी व्यवस्थाएं हैं, ये सब ढोंग है, चल भगवान भगवान कुछ नहीं, सबने व्यापार बना रखा है ना, ये कॉमन डायलॉग सबका। क्योंकि जितनी बुद्धि है, क्योंकि हम सारे काम इसी दृष्टि से करते हैं, हमने जो काम किया है उसमें ये देखते हैं इसमें क्या फायदा और क्या नुकसान। तो भैया जब हमारा जो दृष्टि है, हमें दूसरी दृष्टि से कहां दिख जाएगा, जो हमारी दृष्टि है वही तो दिखेगा भाई। हमने अगर हरा चश्मा लगाया है तो हमको पीला दिख जाएगा क्या, या हमें सही चीज दिख जाएगी? तो हमारा जो मानसिकता होता है या हमारा जो विचार होता है, हम लोग देखते हैं कि हम लोग उसी को देखते हैं। तो खैर, कहने का मतलब है हम लोग केवल इतना समझें कि वास्तविकता में लौकिक और अलौकिक ये दोनों अलग वस्तुएं हैं। लौकिक को लौकिक बुद्धि से, लौकिक मन से, लौकिक शिक्षा से जाना जा सकता है, और अलौकिक को अलौकिक बुद्धि, अलौकिक मन और अलौकिक शिक्षा के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है और समझा जा सकता है। और अलौकिक शिक्षा केवल अलौकिक व्यक्ति ही दे सकता है, या अलौकिक शास्त्र, अलौकिक ग्रंथ ही दे सकते हैं। वो दूसरे लोग की शिक्षा, भैया केमिस्ट्री की शिक्षा केमिस्ट्री का ही टीचर देगा, फिजिक्स का थोड़ी दे देगा। सेम इसी प्रकार से हमको इन सिद्धांतों को बड़ी बारीकी से जब हम समझेंगे तो हम समझ पाएंगे कि वास्तविकता में है क्या। लेकिन चूंकि हमारा बहुत जन्मों का यह अभ्यास है लौकिक शिक्षा का, लौकिक चीजों का, इसलिए अलौकिक को समझना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन अगर हमारा पवित्र बुद्धि हो या हम शरणागत हो तो निश्चित रूप से हम उसको समझ सकते हैं। तो आज हम लोग इस श्रद्धा पे ही विश्राम देंगे। अगली बार हम लोग आगे का जो संघ, अगला जो टॉपिक है साधु संघ, जब श्रद्धा होती है, जब अलौकिक वस्तु में अटूट विश्वास होगा तभी वो साधु का संघ करेगा। अभी साधु लौकिक नहीं है, साधु अलौकिक है, इसीलिए उसका संग करेंगे, इसीलिए उसमें श्रद्धा रखेंगे, इसीलिए उस पर विश्वास करेंगे, इसीलिए उसका संग करके हम अपनी चेतना को, अपनी आध्यात्मिक शिक्षा को प्राप्त करेंगे। तो हम लोग इस पर चर्चा करेंगे साधु संघ पर अगले सत्र में, अगले फ्राइडे को। तो आज का जो हम लोगों ने चर्चा किया है लौकिक अलौकिक श्रद्धा या इस माया से निकलने के लिए भगवत धाम जाने के लिए, उसमें अगर किसी का डाउट है, किसी का कोई प्रश्न है कोई, तो पूछ सकता है। कोई प्रश्न नहीं है बाबू जी? एक क्वेश्चन है, यदि कोई पूछे कि इन शास्त्रों को अलौकिक कैसे माना जाए? जी, तो जो अगर प्रश्न करता है कि शास्त्रों को अलौकिक कैसे माना जाए, उसको ही बोलो कि शास्त्रों को अलौकिक मानने का सबसे आसान तरीका है कि इन शास्त्रों में कोई गलती नहीं है, ये शास्त्र को बदला नहीं गया है, 10 साल नहीं, 20 साल नहीं, दसियों हजार साल से एज इट इज चले आ रहे हैं। आपने देखा है कभी कि पद्म पुराण का ये श्लोक चेंज कर दिया गया, गरुड़ पुराण का ये श्लोक बदल दिया गया, भागवत में से इस श्लोक को खत्म कर दिया गया, हटा दिया गया, या भगवत गीता के इस श्लोक को सुधार करके उसमें ये कर दिया गया, क्या कोई चेंज आज तक हुआ है? नहीं। या होने की संभावना है? नहीं। हाँ, क्यों? क्योंकि वो पूर्ण है, वो सत्य है, सत्य बदलता नहीं है। संसार में एक चीज ध्यान रखिए, जो वास्तविक सत्य है वो बदलता नहीं है, जो असत्य है वो बदलता है। आप बड़े बड़े कानून देखो जो हम लोगों द्वारा बनाए गए, चाहे कितने ही संसार में क्या संसारिक, एक वास्तविक महापुरुष होता है, एक सांसारिक महापुरुष होता है, तो संसारी महापुरुष अलग है और वास्तविक महापुरुष अलग है। तो संसारी महापुरुषों द्वारा जितने बड़े बड़े कानून बनाए गए, जितनी बड़ी बड़ी सिद्धांत दिए गए, उन सब में कितने सुधार हो चुके हैं अभी तक? क्या है? होते रहते हैं सुधार, होते रहते हैं ना, जो भी संविधान है। हाँ, तो चूंकि लौकिक है ना, लौकिक में गलती स्वाभाविक है, गलती करेगा ही करेगा, बार बार करेगा, एक बार नहीं, बार बार करेगा।
अलौकिक में गलती नहीं है, वेद में कोई गलती नहीं है। हम वेद को न समझ पाए, हमारी बुद्धि में गलती हो सकती है, लेकिन वेद बिल्कुल सत्य है, क्योंकि उनमें कोई परिवर्तन न तो हुआ है और न होगा। ज्ञान निश्चित होता है, ऐसा नहीं ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। हम लोगों ने जितनी शिक्षा प्राप्त की है वो सब इसी पर आधारित है, ऐसा होगा आगे, कुछ आगे हम ऐसा करेंगे, हम कुछ दिनों बाद ऐसा करने वाले हैं, ऐसा नहीं। ज्ञान निश्चित होता है, वो बदलता नहीं। अलौकिक वस्तुएं बदला नहीं करती हैं, वो सत्य है, वो वास्तविक ज्ञान है और वो आनंदमय है। ये तीन चीजें जो हमें देता है वो अलौकिक है, जो हमें वास्तविक सत्य देता है, जो हमें वास्तविक ज्ञान देता है। वास्तविक ज्ञान का मतलब जो बदले ना ज्ञान, वास्तविक सत्य का मतलब जो बदले ना सत्य, वास्तविक आनंद का मतलब जो आंतरिक आनंद जो बढ़ता ज्ञान देते हैं, सॉरी अलौकिक ज्ञान देते हैं, हमें सत्य ज्ञान और आनंद तीनों देते हैं। ठीक है, और कोई प्रश्न? प्रभु जी मुझे एक क्वेश्चन पूछना था। जी मतलब मेरे को बहुत पसंद होते हैं भगवान को। जी जी जी। लेकिन हमारे जो लाइफ के एक्सपीरियंस होते हैं उसके बाद उसके मतलब सिंपल लाइफ रहती नहीं है, मतलब हम सरल नहीं रहते हैं। तो अगर हम मतलब अपने आप को भी सरल बनाना चाहें तो मतलब कैसे बना सकते? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है। वास्तविकता में भगवान को सरल लोग ही पसंद है और हम लोग बहुत जटिल हैं। सरल और जटिल में अंतर क्या है उसको समझ लीजिए। सरल व्यक्ति जो सोचता है वही बोलता है और वही करता है। जटिल व्यक्ति सोचता कुछ है, बोलता कुछ है और करता कुछ है। तो हम लोगों को सरल बनने के लिए हमें अपने चिंतन को संसार के चिंतन से निकाल करके भगवत चिंतन में लगाना होगा, और जैसे जैसे हमारा भगवत चिंतन बढ़ता जाएगा हम सरल होते जाएंगे। हमारी ईश्वरीय इन्वॉल्वमेंट, हमारी आध्यात्मिक इन्वॉल्वमेंट जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे हम सरल होते जाएंगे। और कोई प्रश्न? ठीक है, आप सबका आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभु जी 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 प्रभु जी सॉरी प्रभु जी एक माता जी पूछ रही थी कि जैसे पहले वाले माले में हम पंच तत्व मंत्र क्यों पढ़ते हैं, तो मुझे लगा आप ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर। जी, हम लोग पंच तत्व मंत्र इसलिए बोलते हैं कि भगवान के नाम में जो अपराध होते हैं उनमें हमें कृपा मिले महाप्रभु की, पंच तत्वों की, जिससे उन अपराधों से हम बच सकें, और हमारे ऊपर विशेष महाप्रभु की कृपा हो जिससे कि हमारा नाम में जो प्रेम है, आसक्ति है, वो बढ़े। इसलिए हम पंच तत्व मंत्र का प्रणाम करते हैं, चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैताचार्य, गदाधर और श्रीवास, इनका आभार व्यक्त करते हैं कि आपकी बड़ी कृपा है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप नहीं होते तो इस जगत का क्या स्थिति होता, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु की कृपा से ही हम इस महामंत्र को जप पा रहे हैं। तो इसलिए हम उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं, हम उनसे कृपा की याचना करते हैं कि वो हम पर कृपा करें जिससे कि हम महामंत्र की शरण लेकर के अपने चित्त को शुद्ध कर सकें। प्रभु जी एक चीज और पूछ रही थी कि कोई पूछ रहा था मुझसे माता जी कि अगर माला पे जाप ना करके आधा घंटा उन्होंने प्रभुपाल जी का वीडियो लगा दिया, जो ऑडियो लगा दिया चैंटिंग का, और उसके साथ वो खुद भी चैंटिंग कर रहे हैं, तो वो कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, लेकिन हमें ध्यान पूर्वक एक एक शब्द को सुनना है,
यानी बोलना है और सुनना है। ठीक है जी प्रभुजी। ठीक है, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, समस्त भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हमारा आप सब भक्तों से अनुरोध है, कृपया आप सब मिलकर के जहां रह रहे हो यूएस में, वहां सबको भगवान का भक्त बनाओ, वृंदावन धाम बनाओ। और इसके लिए केवल एक व्यक्ति प्रयास नहीं करेगा, ऐसा मत सोचो कि दीपिका माता जी की सेवा है, आशीष प्रभु का सेवा है, वो करेंगे। नहीं नहीं, हर व्यक्ति को पर्टिकुलर लोगों से भगवत विषय पर चर्चा करनी चाहिए। ये दुर्भाग्य है हमारा कि जो वास्तविक विषय उस पर हम चर्चा ही नहीं कर रहे हैं, हम लोगों को प्रेरित ही नहीं कर रहे हैं। लोग मूर्ख बने हैं, लोग अज्ञानता बस सोच रहे हैं, उन्होंने बड़ी शिक्षा प्राप्त कर ली है, बड़े विद्वान हो गए हैं और अभी संसार छोड़ करके चले जाएंगे, यानी मूर्खता की शिक्षा ली, मूर्खता में जीवन जिया और मूर्ख बन के चले गए। तो अगर हम वास्तविकता में सत्य विषय को समझ पा रहे हैं तो यह हमारी ड्यूटी बनती है, ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम लोगों को मूर्खता से बाहर निकालें, लोगों को वास्तविक सिद्धांत समझाएं, लोगों को बताएं कि वास्तव में क्या जीवन है, क्या वास्तविकता है, क्या सत्य है। तो ये हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, हमको वन टू वन लोगों से चर्चा करनी चाहिए, उनसे प्रश्न करने चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए। फिर वो लोग जो प्रश्न करते हैं, वो डाउट रखते हैं, वो उनके अपने जो डाउट हैं, अगर आप उनको उत्तर दे पा रहे हो, उनको सेटिस्फाई कर पा रहे हो तो ठीक है, अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो उन प्रश्नों को आकर के यहां सत्संग में पूछो, उनसे हमसे बात करो। तो इससे क्या होगा कि आप प्रचार कार्य करोगे तो आपका आध्यात्मिक प्रगति होगा। अगर आप केवल फ्राइडे के फ्राइडे सुनोगे और सुनने के बाद कीर्तन नहीं करोगे, यानी अन्यों को इस पर चर्चा नहीं करोगे, तो निश्चित रूप से फिर आपका आध्यात्मिक प्रगति नहीं होगा। तो इसलिए हमारा आप सभी भक्तों से अनुरोध है, आप सब लोग जो आपके टच में है, चाहे भारत में हो, चाहे विश्व में हो, कहीं भी हो, जो आपके संपर्क में है, उसको फोन पर, उसको व्हाट्सएप पर, उसको चैट के द्वारा, उसको किसी भी तरीके से आप उनसे बात करो और उनको आध्यात्मिक जीवन के लिए प्रेरित करो। क्योंकि आध्यात्मिक जीवन आग्रह की वस्तु है ना, जैसे बीमा के पीछे लिखा होता है ना, वो बीमा आग्रह की वस्तु है, जब तक आप आग्रह नहीं करोगे लोग नहीं लेंगे बीमा, है ना। तो ऐसे ही आध्यात्मिक जीवन के प्रति लोग वास्तव में इतने अंधे हो गए हैं कि उनको पता ही नहीं है, वो जानते ही नहीं है क्या, उनको लग रहा है सब कुछ तो ठीक है, क्या जरूरत है सबकी। तो जब हम आग्रह करेंगे, जब हम उन पर अनुग्रह करेंगे, तो वास्तविकता में वो उसको समझ पाएंगे और स्वीकार कर पाएंगे। लेकिन हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर हमें सत्य सुनने और समझने का मौका मिल रहा है तो हम अन्यों से इसकी चर्चा करें और फिर जो मुश्किल आए उसको हम लोग डिस्कस करें। तो आप सब प्रयास कर रहे हो या करने का कमिटमेंट दे रहे हो, क्योंकि अगर आप प्रचार को करोगे तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। क्योंकि एक बार सुनने से ये समझ में आने वाला नहीं है कि हम शरीर नहीं आत्मा है, एक बार सुनने से ये समझ में आने वाला नहीं है कि भगवान का अर्चा विग्रह और गुरुजन भक्तजन और वृंदा देवी भगवान का धाम ये सब अलौकिक है, ये कभी इतनी आसानी से दिमाग में घुसने वाला नहीं है। इसमें हमें बड़ा चिंतन करना पड़ेगा, बार बार इस पर विचार करना होगा, बार बार इसकी चर्चा करनी होगी, तब जाकर के हम इसको संसारी वस्तुओं को संसारी शिक्षा प्राप्त करने के बाद उस दृष्टि से कितने वर्षों से उन चीजों को देखा है, तब उन पर पक्का विश्वास हो गया है। हमको बचपन से शिक्षा दिया गया ये टेबल है, ये चेयर है, ये वॉल है, ठीक है ना, अभी बचपन से दिया गया, जब जब वॉल दिखी दिमाग में आया हाँ वॉल टेबल चेयर, टेबल लाओ चेयर लाओ, अभी दिमाग में फीड हो गया हाँ ये टेबल है ये चेयर है ना। तो कहने का मतलब है इसी प्रकार से आध्यात्मिक चिंतन अलौकिक ज्ञान जब तक बार बार मेरे चिंतन में नहीं होगा, बार बार उसको हम उसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे, तब तक उसका प्रभाव नहीं होगा हमारे ऊपर। पता चलेगा कुछ समय क्लास करेंगे, उसका क्लास बंद, बोले हो गया, बोले हम हाँ भक्तों के संग में गए थे, वहां भी गए था, वो कहीं कुछ नहीं है, सब ऐसे ही है, सब ठीक है। कोई हमें अलौकिक संत चाहिए जो हमें हिमालय में मिले बिल्कुल लंगोट पहने हुए, बर्फ पे चलता हुआ या उड़ता हुआ, तो फिर कुछ कल्याण हो सकता है, तो कल्याण की कुछ संभावना है। तो हमारे अपने ही कुछ विचार हैं जिनको हमने अपना मान रखा है, उन्हीं विचारों के आधार पर हम जीवन जीते रहते हैं।
तो अगर हम प्रभुपाद जी की शिक्षाओं को एज इट इज नहीं सुनेंगे, उसको एज इट इज स्वीकार नहीं करेंगे या उस पर काम नहीं करेंगे, तो निश्चित रूप से हमें फिर ये शिक्षाएं बहुत महत्वपूर्ण नहीं लगेंगी। तो हमारा आप सबसे अनुरोध है कि आप सब इन शिक्षाओं को लीजिए और इनकी चर्चा अवश्य करिए, और फिर आपको जो प्रॉब्लम आती है या लोग जो चर्चा करते हैं उसको आप चर्चा कर, कभी हम लोग ऐसा कर सकते हैं दीपिका माता जी कि ये चर्चा सत्संग के साथ साथ केवल उन लोगों के साथ मीटिंग करेंगे जो लोग वास्तविकता में प्रचार के मूड में हैं, जो वास्तव में सोचते हैं कि हमें समाज में अपनी भूमिका अदा करनी है, मुझे निश्चित रूप से लोगों को सद्बुद्धि देनी है। आप देखो प्रभुपाद जी 70 साल की उम्र में अमेरिका पहुंच गए, किस लिए? कल्याण करने के लिए, है ना। बाहर वृंदावन छोड़ दिया, वृंदावन धाम, सोचो धाम में रहने के लिए लोग तरसते हैं, और वो धाम को छोड़ करके कहां पहुंच गए? अमेरिका पहुंच गए, है ना। और आप अमेरिका में हो सारे के सारे लोग, फिर भी वहां कुछ नहीं कर रहे हो। तो हम लोगों को गंभीरता पूर्वक प्रयास करना चाहिए, 1-to-1 एक एक व्यक्ति को बात करो। ऐसा मत सोचो कि वो अरे कोई नहीं सुनना चाहता, कोई नहीं मानना चाहता। हम समझा नहीं पा रहे हैं, हम सही तरीके से बात नहीं रख पा रहे हैं। हमें अपनी चीजों को स्वीकार करना चाहिए और विनम्रता पूर्वक अपने प्रयास जारी रखने चाहिए। कई बार क्या होता है, जब हम कई एक दो लोगों से, चार लोगों से प्रयास करते हैं और कोई व्यक्ति नहीं सुनता, तो हम कहते हैं अरे बस ठीक है, हो गया, अभी कोई नहीं सुनता, ठीक है, अपना चुपचाप हम कर रहे हैं, ठीक है अपना करेंगे। तो हमको ऐसा भाव नहीं रखना है, हमको अन्यों को प्रेरित करना है। और जितने लोग हमारी समझ से, जो आपने, आप लोग आशीष प्रभु, दीपिका माता जी, आप लोगों ने जो ग्रुप बनाया है उसमें कितने लोग हैं? प्रभु जी 50 से ऊपर। और क्लास में कितने लोग आते हैं? तो इसमें कहीं गलती हमसे, कुछ लोग ना समर वेकेशन के लिए घूमने गए, तो मतलब इसलिए थोड़ा। नहीं नहीं, भले ही वो घूमने गए हों या भले ही वो किसी सेवा में व्यस्त हों, लेकिन अगर वो गंभीरता से किसी विषय को लेंगे, या देखो गंभीरता से वो नहीं लेंगे, गंभीरता से हमें लेना होगा, गंभीरता से आपको लेना होगा, क्योंकि वो तो समझ ही नहीं रहे। उनको थोड़ी लगता है कि अगर वो ये ज्ञान नहीं प्राप्त करेंगे, उनको क्या लगता है, अरे सब कुछ तो ठीक चल रहा है, क्या फर्क पड़ता है। तो उनको तो चिंता नहीं है, उन्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सत्संग में आ गए तब भी ठीक है, नहीं आए तो क्या नुकसान हो गया। उनको थोड़ी ऐसा लगता है कि उनको कोई बहुत बड़ा नुकसान हो गया। लेकिन अगर हम समझ रहे हैं तो हमें लगता है कि वास्तव में कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं। तो इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनको केयर करें, हम उनसे बात करें, हम उनको प्रेरित करें।